So much. Okay, I just provided you a two data sets. Kindly download it into your folder and upload it into the Jupyter file. Okay, last class में हम लोगों ने देखा था कि first of all देखा क्या था, ये एक सवाल important जिससे मुझे पता चल सके कि कौन कौन जो है up to date है. क्या देखा था last class में हम लोगों ने match के अलावा? जी, लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक क्या था, किसी को आइडिया है? सर, हमारा जो टॉपिक था दैट पर्टेन्स विद जो हमने ग्रेडिंग करी थी स्टूडेंट्स की और मेल फीमेल्स की तरह सेग्रीगेशन थी, फिर टोटल मार्क्स पे हमने परसेंटेज वगैरह की इनकॉर्पोरेशन की थी, ये सारी चीज़ें हमने की थी. ओके, तो एक्चुअली हमारा उसमें पर्पस ये था कि हमारे पास मशीन को ट्रेन करवाने के लिए एक्स साइट तो अवेलेबल थी विच इज द इंडिपेंडेंट साइट, बट हमारे पास वाई साइट अवेलेबल नहीं थी जो कि हमारी डिपेंडेंट साइट थी. और हमेशा जरूरी नहीं है कि आपके लाइफ में आपको एक्स एंड वाई अवेलेबल हो. आपको एक्स अवेलेबल होगा, वाई अवेलेबल नहीं होगा. हो सकता है कि आपको शुरू से डाटा जो है वो स्पेच से बनाना भी पड़े. कभी कभी ऐसा भी होता है जिसके लिए आप सर्वे वगैरह भी करते हैं. ठीक है, तो हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा. ऑब्वियसली जब सर्वे वगैरह करेंगे तो उसका बजट हाई होगा और इस तरीके से काम होगा. ज़्यादातर ये होगा कि जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे होंगे एटलीस्ट उनके पास अपना डाटा तो अवेलेबल होगा. यस, डिजिटाइज हो सकता है कि ना हो, तो उसको डिजिटाइज पहले करना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर डेटा साइंस अप्लाई करनी पड़ेगी. लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने ये किया था कि हमारे पास जो वाई साइट थी, SID साइट, ठीक है, जो वाई था वो अवेलेबल नहीं था. और हमारे पास एक सिचुएशन आ गई थी कि भाई हम वी आर गोइंग टू ऑटोमेट अ सिस्टम वेयर आवर सिस्टम सिस्टम कहते हैं, ज़्यादातर एजेंट भी कहते हैं हम लोग, कि ये AI का एजेंट है. तो वेयर आवर AI एजेंट वर प्रिडिक्टिंग अबाउट द ग्रेड ग्रेडिंग सिस्टम या ग्रेड क्या होगा, ताकि आप सिर्फ डाटा दें और वो खुद ही आपको ग्रेडिंग करके बता दें. तो समहाउ हम लोगों ने काम को ऑटोमेट कर दिया. आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे इट्स बिट डिफिकल्ट. डिफिकल्ट क्या कहना, बस बात यह है कि हर आने वाला टॉपिक पहले तो थोड़ा सा उसकी एक डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाता है, बस ये कहा जा सकता है. हमारे पास आप लोगों ने लाइफ में भी देखा होगा कि जब आप यूट्यूब वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो आपके पास कुछ रेकमेंडेड वीडियोज़ आ रही होती हैं जो कि आपकी हिस्ट्री से रिलेट कर रही होती हैं, आपके पैटर्न से रिलेट कर रही होती हैं. जो आपका यूट्यूब पे एक वॉचिंग पैटर्न होता है, मिसाल के तौर पे कोई क्रिकेट बहुत देखता है, ठीक है, तो उसके पास क्रिकेट की वीडियोज़ बहुत आएंगी. कोई क्या कहते हैं, आपके जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स हैं वो बहुत देखता है, तो उनके पास वैसे ही रिकमेंडेशन आ रही होती है, एंड सो फोर्थ सो ऑन. तो मूवीज़ बहुत देखते हैं लोग या ड्रामा बहुत देखते हैं लोग. अच्छा, ड्रामे में भी उनको पास रिलेटेड ड्रामा, मतलब हर किस्म का ड्रामा नहीं, ड्रामे भी मुख्तलिफ उसमें जो है क्या कहते हैं नेचर्स हो सकती हैं, तो उनके पास वो रेकमेंडेशन आ रही होती है. इसी तरीके से अगर आप फेसबुक देखें तो आपके पास फेसबुक के पेजेस की भी रेकमेंडेशन आ रही होती है. अगर आप जो है क्या कहते हैं अमेजोन देखें तो उधर अमेजोन भी आपको प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा होता है. अलीबाबा में जाएं उधर भी कर रहा होता है. इसी तरीके से आपको भी क्या कहते हैं अपने बिजनेस के लिहाज से अपनी मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ तो सजेस्ट करना पड़ेगा. तो वो जो सजेशन होती है वो आप रेकमेंडेशन सिस्टम के थ्रू कर रहे होते हैं, जिसकी मैंने अभी आपको 3-4 एग्जांपल्स दी. ठीक है, हमारे पास सॉरी हमारे पास जो है क्या कहते हैं, अच्छा आप लोग प्लीज़ ग्रुप पे नज़र रखते रहा करें, क्योंकि मैं अपना वाईफाई बंद कर देता हूँ, डाटा बंद कर देता हूँ पढ़ाते वक्त, ट्रेनिंग देते वक्त, ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो. लेकिन क्योंकि आप लोगों का एक एक हैंड जो है वो फ्री होता है, इन अ सेंस कि आप लोग वॉच कर रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन आप मुझसे ज़्यादा जो है बेहतर रिप्लाई कर सकते हैं. तो अगर कोई सवाल आए किसी भी लिहाज से, कोई लिंक मांग रहा होता है, कोई मिसाल के तौर पे हो सकता है कि किसी ने मैसेज ना पढ़ा और कोई ICM में पाकिस्तान पहुँच गए हो, तो प्लीज़ उनको देख लिया करें, क्योंकि मेरा तो व्हाट्सएप बंद ही होता है इस टाइम पर. ठीक है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप कर लेंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी. अच्छा जी, we have a two data sets over here, और इधर हमारे पास कुछ for example अगर मैं क्रेडिट का डाटा दिखाऊं आपके पास, इनके नाम जो है छोटे कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हो गए, इतने बड़े नाम तो मैं लिखते रहूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरे पास.
अच्छा जी, मेरे पास एक डाटा तो ये है जिसमें कुछ जिक्र किया गया है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मूवीज का. फॉर एग्जांपल वी यू नो वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज आजकल देखते हैं, खास तौर पे हम लोग एआई से रिलेटेड. मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एआई से रिलेटेड बहुत सारी मूवीज अवेलेबल हैं जहाँ पे जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. तो इस तरह की हम मूवीज वगैरह देखते रहते हैं तो रेकमेंडेशन आ सकती है. तो हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, कुछ कॉलम्स हैं, जैसा कि मूवी की आईडी दी हुई है, ठीक है, टाइटल दिया हुआ है, कास्ट दी हुई है कि उसमें एक्टर कौन था, डायरेक्टर कौन था. सॉरी, इसमें तो कास्ट में तो सिर्फ आपके पास हीरो एंड सपोर्ट एक्टर्स वगैरह आएंगे. कास्ट में आपके पास आ सकता है डायरेक्टर कौन था, आपके पास जो है और क्रू मेंबर्स और कौन कौन से थे, ये इस तरीके का डाटा है. सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे ये बड़ा अच्छा टॉपिक होने वाला है, लेकिन आपकी आपकी देखें ना, इसमें इसमें कितनी ज़्यादा स्ट्रिंग्स मौजूद हैं, ये देखें आप, ये देखें. तो बहुत सारा डाटा जो है स्ट्रिंग में है. तो मेरी कोशिश ये है कि आपको स्ट्रिंग का इस्तेमाल, बिफोर वी जम्प इन टू द इमेजेस, हम लोग स्ट्रिंग पे काम करना. स्ट्रिंग का मतलब है एक एक वर्ड नहीं, ऐसे ये वाली स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहा जिस तरह के आपके ये अवतार लिखा हुआ है, इस तरह की स्ट्रिंग नहीं बात कर रहा मैं. एक बड़ी स्ट्रिंग जिस तरह के ये ओवरव्यू दिया हुआ है, किसी ने जो है क्या कहते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है कि ये होता है ना कि आप थोड़ा बहुत डिफाइन करते हैं, इस तरीके का डिटेल है. अब प्रॉब्लम ये है कि वी हैव अ टू डिफरेंट डाटा. अगर मैं इसका शेप चेक करना चाहूँ आपके सामने, तो शेप मुझे दोनों का मिल जाएगा. इसमें भी तकरीबन 4,803 रॉज है एंड 4 कॉलम्स हैं, जबकि यहाँ पे आपके पास 4,803 रॉज हैं और 20 कॉलम्स हैं. अब मुझे एक और चीज़ देखनी है, अगर मैं इनके कॉलम देखूँ, क्योंकि मैं अजय, मेरा आप लोगों से एक सवाल है. सवाल ये है कि क्या मैं इन दोनों डेटा पे अलग अलग अपने काम करूँ या क्या करना चाहिए? वॉट वुड बी अवर बेस्ट अप्रोच? माई नहीं, बल्कि मैं कहूँगा अवर बेस्ट अप्रोच, क्योंकि वी ऑल आर अ टीम. जी, हमारी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए इन डेटा को काम करने के लिए? कोई बताएगा आप में से, कोई रेकमेंड करेगा? डेटा एक ही होना चाहिए, लेकिन उसको कुछ कोई की होनी चाहिए जिसे मैच करके डेटा बिल्कुल, सेट बन सके। एग्जैक्टली. यानी कि कहने का मतलब ये है कि व्हाई शुड बी पुट द टू एफर्ट ऑन द टू डिफरेंट सेट, व्हाई शुड नॉट बी कंबाइन द डेटा एंड पुट द सिंगल एफर्ट ऑन द सिंगल डेटा सेट. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है. ये कुछ कॉलम है जिस तरह के, ये मूवी आईडी, टाइटल, कास्ट, क्रू है. सिमिलरली अगर आप, अच्छा, मेरी अजम्पशन ये है कि आपको कॉलम्स वगैरह का कॉन्सेप्ट पता है कि ये कॉलम्स निकलते कैसे हैं, ठीक है. तो मैं इतनी डिटेल में उन चीज़ों पे नहीं जा रहा, लेकिन आप जब बोलेंगे कि सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, तो आई विल डेफिनेटली डिफाइन इट. अच्छा देखें, यहाँ पे तो हमारे पास 4 कॉलम्स हैं. हम बड़ा इजिली जो है आई आई बॉल की जो है ना मूवमेंट करके हम ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या है. यहाँ पे देखें हमारे पास बजट है, कि यानी कि इस मूवी का जो बजट था वो कितना था, यानी कि कितने में एक्चुअली कॉस्ट कितनी थी, बजट कितना था इसका. अब ये इसका जॉनराज है, यानी कि किस टाइप की मूवी थी, एक्शन थी, थ्रिलिंग थी, एंड सो ऑन. उसका होम पेज है, आप क्लिक करेंगे इस पेज पे चले जाएंगे. आईडी, दिस आईडी इज एक्चुअली अ मूवी आईडी हियर. ये जो फर्स्ट डेटा सेट है आपके पास, उसकी मूवी आईडी और इधर की आईडी, इट्स बोथ आर सेम, ठीक है. ये एक्चुअली हम डिफाइनिंग अ मूवी आईडी. कीवर्ड्स हैं, ओरिजिनल लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में ये जो है रिलीज की गई. टाइटल है आपके पास, ओवरव्यू है इसके बारे में, पॉपुलैरिटी इन नंबर्स दिया गया है, प्रोडक्शन किस 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 मूवी कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया है, कहाँ पे ये प्रोड्यूस हुई है, रिलीज डेट क्या थी, इसका रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, ये कितने घंटे की मूवी है, रन टाइम बताया गया, स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है, किस जबान में है, इसका स्टेटस क्या है, रिलीज हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, क्या है इसकी टैगलाइन, क्या है इसका टाइटल, क्या है वोट, क्या है यानी कि इसको वोटिंग कितनी मिली है. हमारे पास वोटिंग जो इसमें मैंने स्केल देखा था वो 1 से लेकर 10 तक था, ठीक है. तो वोटिंग वोट दिया हुआ है इसमें, यानी कि इस मूवी का जो एवरेज वोट दिया हुआ है, हर मूवी का जो एवरेज वोट है वो दिया हुआ है. वोट काउंट है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने दिए गए हैं, ये तमाम चीजें दी गई हैं. नाउ देयर इज अ पॉइंट वेयर वी हैव टू थिंक के व्हाट वुड बी द आवर कॉमन की वेयर वी कैन गो एंड ज्वाइन द डेटा सेट्स. जी, ये अब सवाल पैदा हो रहा है, आईडी आईडी का किसे कॉलम. कहते बट इफ यू ऑब्जर्व ओवर हियर, द आईडी हियर इज द मूवी आईडी एंड द आईडी हियर इज द सिंपल आई एंड डी.
तो हाउ कैन वी गोइंग टू ज्वाइन दिस, ये भी आप बता दें, शायद हो सकता है ये भी आपको पता हो जी। कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि जो दोनों की कॉमन की है वो इधर मूवी आईडी है और इधर आईडी है, तो कोई मुझे बताना चाहेगा या मैं प्रोसीड करूं, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग ना आपके अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग की हैबिट पैदा हो, आप लोग सोचें और मुझे बताएं, और इसका वेरे बाद हेडर हम। चेंज कर लें हाँ जी, ये वक्का किसने सर बोले हैं, ये किसने बोला हेडर है, चेंज नाम भी तो बताया करें, मुझे अच्छा लगता है जो खली इतने। मोहम्मद जी खली। सर, खलील साहब ने बहुत ही अच्छा बताया, उन्होंने खलील साहब ने ये कहा कि वाई नॉट वी रीनेम दिस और रीनेम दिस सो दैट वी हैव अ कॉमन कॉलम नेम, तो वो आसानी हो जाएगी। इसके अलावा कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं, ये बड़ा अच्छा आइडिया वैसे है बाय द सर वे। एक नजर जी हम इसको ये देख लें सर एक नजर ये देख लें कि ये मूवी आईडी और आईडी एक ही चीज है या कोई डिफरेंट चीज है, हाँ ये तो भी देख ताकि लेते हैं, शुड बी बिल्कुल श्योर बिल्कुल अबाउट इट। बिल्कुल ये भी देख लेते हैं, और चलें ये तो हम देख लेते हैं कि मूवी आईडी, वैसे तो मैं देख चुका लेकिन आपके कहने पे दोबारा देखेंगे। जी बताइए मुझे वो तरीका बताइए जिससे हम ज्वाइन कर सकें डेट को। कॉनकैट के जरिए, कॉनकैट के जरिए हाँ pd.concat के जरिए, नहीं pd.concat के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन pd.concat जो है वो कोई कॉमन की को नहीं देखता, pd.concat तो बस हाँ ज्वाइन कर सही है देते हैं, जी तो जी पी डी डॉट कैन वी कैन नॉट गो विद द पी डी डॉट कॉन्कैट, वी विल गो विद द सर पी डी डॉट मर्ज, वी विल गो विद द इन पी डी डॉट मर्ज। तो ओके दोनों जी 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 बोले बोले प्लीज। कॉलम्स को मैच भी तो करवा सकते हैं, इसमें से जो सिमिलर वैल्यूज हो बस उससे हम रख लें, बाकी जो नॉन हाँ सिमिलर तो देखे वैल्यूज हम उसी में ना, रख मैच लें। करवाने के लिए हमें इतना फोकस नहीं करना पड़ेगा ना, पी डी डॉट मर्ज में हमारे पास हाउ में मैंने आपको बताया था, लेफ्ट होता है, राइट होता है, इनर होता है, आउटर होता है। इनर का क्या मतलब है, इनर का क्या मतलब होगा, इनर का क्या मतलब होगा, इनर का मतलब होगा जो दोनों चीजों में कॉमन हो, ये लास्ट टाइम भी हम लोगों कॉमन ने डिस्कस किया था, तो हमें ये इस पे एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इनर लिख देंगे तो वो कर देगा। ओके सो हियर वी हैव अ टू ऑप्शन, ईदर वी गो विद द सेम नेम मूवी आईडी या आईडी जो भी नाम अभी मौजूद है उससे जाए, या हम दोनों के नाम कॉमन कर दें, या तो इधर मूवी आईडी है तो इधर भी मूवी आईडी कर दें, या अगर इधर आईडी लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी आईडी कर दें, कर ये भी किया जा सकता है। अगर ये दोनों के नाम मैं चेंज कर देता तो फिर मेरा मर्ज कैसे होता। अच्छा पीडी डॉट मर्ज करके भी लिख सकते हैं आप लोग, और पहले आप लेफ्ट एंड राइट दोनों दे सकते हैं, या आप डायरेक्टली जो चीज आप चाह रहे हैं कि लेफ्ट में, मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ मूवी लेफ्ट में है तो आप लिख सकते हैं मूवी डॉट मर्ज, तो मूवी इज ऑलरेडी इन द लेफ्ट साइड, तो अब बाकी कितनी साइड बची आपकी बताइए, बाकी आपकी कौन सी साइड बची, राइट राइट साइड बची ना, तो वो यहाँ पे आप लिख दें, वरना आपको जो लास्ट तरीका बताया था पीडी डॉट मर्ज, लेफ्ट की जगह पे लेफ्ट की वैल्यू, राइट की जगह पे राइट की वैल्यू, जब भी ये चल जाएगा। चलें तो मैंने नेक्स्ट लास्ट क्लास में मुझे याद आ रहा है कि मैंने पीडी डॉट मर्ज से किया था, मैंने डेटा फ्रेम डॉट मर्ज नहीं किया था, तो आप चाहें तो डेटा फ्रेम डॉट मर्ज भी यूज कर सकते हैं, आप डेटा फ्रेम में ये वाली वैल्यू जो है लेफ्ट पे आ रही है और ये वाली वैल्यू राइट पे आ रही है, तो ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या चीज लेफ्ट पे जाएगी क्या चीज राइट पे जाएगी। अच्छा जी लेफ्ट पे जो कॉमन की है जिसको हमें देखना है, वो उसका नाम क्या है जो कि राइट से मैच हो रही है, उसका नाम क्या है, मूवी आईडी आईडी मूवी आईडी, तो हम लिखेंगे लेफ्ट ऑन में हम लिख देंगे मूवी आईडी। अच्छा मैं नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नाम चेंज भी कर देते जब भी हो जाता वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो आप लेफ्ट ऑन पे लिखेंगे कि भाई मूवी मूवी आईडी का कॉलम है, और जो राइट में कॉलम है जिससे मैच करना है उसका नाम क्या होगा, राइट ऑन में, राइट ऑन में क्या आएगा आपके पास, आईडी आएगा, आईडी और बाय डिफॉल्ट ये ज्वाइनिंग क्या हो रही होती है आपको पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, शिफ्ट एंड टैब दबाएं तो आपके पास खुद ही आ जाएगा कि ये इनर ज्वाइनिंग हो रही होती है, लिखा हुआ भी हाउ में इनर, लेकिन पहले मैं भी लिख देता हूँ हाउ में इनर, इसका क्या मतलब है, सर इसका क्या सॉरी मतलब है। ये जी 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 सर बोले, ये लेफ्ट पे तो मूवी आईडी नहीं बल्कि आईडी है, अगर हम उस तरह देखें ना कि एमवी हाँ डॉट सॉरी, कॉलम्स ये में तो तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, थैंक यू सो मच सर, आपने इसको ऑब्जर्व किया, वेलकम सर। लेफ्ट ऑन में हमारे पास, लेफ्ट ऑन मैंने इसको लिया तो इसमें आईडी है और इसमें हमारे पास मूवी आईडी है, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन माशाल्लाह। अच्छा जी अब ये तो हो गया, तो ये बाय डिफॉल्ट हो जाए, अगर इन दोनों के नाम सेम होते तो क्या होता, चले अभी तो मैंने डेटा फ्रेम डॉट मर्ज करा है, अब मैं अगर ये नाम सेम होते, मिसाल के तौर पे आप इधर भी आईडी कर देते और इधर भी आईडी रहता, मिसाल के तौर पे अजम्पशन है, तो अब मैं पीडी डॉट मर्ज से करके बता रहा हूँ, आप लोग चाहें तो डेटा फ्रेम डॉट मर्ज भी कर सकते हैं, आप लिख देते हैं एम बी सी आर,
और दोनों की क्योंकि की कॉमन थी, तो आप ऑन लिखते, फिर लेफ्ट ऑन राइट ऑन नहीं लिखते, फिर सिर्फ ऑन लिख देते, क्योंकि ऑन का मतलब है कि दोनों के अंदर ही आईडी का कॉलम है और हाउ में इनर आ जाता। ये एक फायदा है कि अगर आपके पास कॉमन की हो तो फिर सिर्फ वो ऑन में आता है, और अगर आपके पास कॉमन की ना हो तो फिर लेफ्ट ऑन अलग आएगा, राइट ऑन अलग आएगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को? बात समझ आ रही है आप लोगों को कि देखें, मैंने ऑन लिख दिया, ऑन का मतलब है दोनों में कॉमन आईडी का कॉलम है। ऑल्दो के अभी अजम्पशन कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में नहीं है, एक्चुअली में नहीं है, सिर्फ अजम्पशन ये है कि अगर आप इसका नाम भी आईडी कर दें और इसका नाम भी आईडी रहता तो दोनों की कॉमन हो जाती, तो ना आप लेफ्ट ऑन लिखते ना आप राइट ऑन लिखते, आप सीधा का सीधा ऑन लिख देते, क्योंकि आपको पता चल गया कि भाई एक ही कॉमन क्या कहते हैं आपके पास वो है की है। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों की? अच्छा, जो मुझसे कह रहा था कि आईडी, जिस तरह के अभी दो लोगों ने कहा कि हम एक तो हम कॉमन आईडी पे करें और दूसरी क्या आईडी दोनों की सेम है। भाई देखें, अगर आईडी दोनों की सेम नहीं होगी तो इनर ज्वाइन होगा ही नहीं। इनर ज्वाइन का मतलब ही है कि दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों की आईडी मैच होना। तो मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं है कि मैं इन दोनों को कंपेयर करवाऊं, ये खुद ब खुद ही कंपेयर कर लेगा, और अगर कोई भी चीज कंपेयर नहीं होगी तो मेरे पास जो आपका वो आएगा डेटा आएगा वो नल आएगा, मिसिंग यानी कि एम्प्टी डेटा आएगा। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? हाँ, क्लियर हो इसको गई, क्लियर हो गई। इसको इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास टोटल डेटा, वैसे तो हमारे पास टोटल डेटा अगर मैं कॉनकैट करवाता तो सॉरी कॉनकैट एक्सेस 1 पे करवाता तो मेरे पास कुछ इतनी वैल्यूज होती। अब क्योंकि मैंने कॉमन वैल्यू ली है तो हो सकता है मेरा साइज कम हो गया हो। अभी भी कम नहीं हुआ, इसका मतलब है इसकी आईडी और इसकी आईडी दोनों की आईडी क्या थी, बिल्कुल सेम थी, और पूरा का पूरा डाटा हमारे पास आ गया। हमारे पास यहाँ पे कितने कॉलम्स थे, कितने कॉलम्स थे हमारे पास, 4 कॉलम और 20 20 कॉलम्स। टोटल कितने कॉलम्स बन जाएंगे मर्ज के बाद, 24 कॉलम्स। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? तो कॉनकेट नहीं करना था हमें, मर्ज करना था, जो कि हम लोगों ने कर लिया। लेफ्ट ऑन का भी मतलब पता चल गया, राइट ऑन का भी मतलब पता चल गया, हाउ का भी मतलब पता चल गया कि दोनों के इंटरसेक्शन से बनेगा, यानी कि लेफ्ट की एंड राइट की दोनों सेम होंगी जब ही बनेगा, या ऊपर अगर हम नाम चेंज कर देते तो आईडी का कॉलम दोनों के अंदर जो सेम होता सिर्फ और सिर्फ वही डाटा आपको रिटर्न करता। ठीक है, दैट इज व्हाट द पॉइंट। लेट्स सी कि हमारे पास कौन कौन से कॉलम बने हैं, क्योंकि व्हाट आई एम अज्यूमिंग हियर इज कि चलें आपके पास आईडी का कॉलम तो इधर डिफरेंट है, लेकिन एक और चीज मैं देख रहा था कि इधर भी टाइटल आ रहा है और इधर भी टाइटल आ रहा है, बाकी तो कोई और चीज नहीं है, मूवी आईडी भी अलग था, आईडी भी अलग था, लेकिन टाइटल और टाइटल दोनों में आ रहा है। तो आप टाइटल का नाम कैसे आ रहा होगा, पता है आप लोगों को टाइटल का नाम कैसे आ रहा होगा? टाइटल एक्स टाइटल वाई, देखें टाइटल एक्स टाइटल वाई आ रहा होगा, ये देखें टाइटल एक्स इधर आ रहा है, क्योंकि पहले वाले, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मूवी था तो लेफ्ट साइड के नाम को इसने एक्स कर दिया, और जो राइट साइड पे था वो क्रेडिट का था उसके उसको वाई कर दिया। अगर आप इन दोनों को देखें, दोनों को टाइटल एक्स और टाइटल वाई को, इन दोनों का जो वो है वैल्यूज हैं इसके अंदर, यानी कि जो टाइटल्स हैं वो दोनों सेम होंगे, तो आप मुझे बताना कि इनके साथ कर क्या सकते हैं, व्हाट शुड वी डू विद देम, क्या करना चाहिए। ये देखें सर, इनको भी देखें मर्ज कर दें, सेम है तो फिर मर्ज कर दें, इनको भी मर्ज कर मर्ज, दें। अब मर्ज क्या करें, अब तो मर्जिंग हो गए, अब क्या कर सकते हैं, अब ड्रॉप ड्रॉप कर कर दें, सकते हैं ना, ड्रॉप कर सर सकते एक हैं, और ड्रॉप। इसका नाम टाइटल रख देते हैं और इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, सिंपल। क्या ख्याल है? जी एक जी एक बिल्कुल रिडंडेंट, एक रिडंडेंट कॉलम है हमारे पास। अच्छा देखें, आप लोग माशाल्लाह से जैसे ही मेंटली सोच रहे हैं ना, तो आपको ये पता चल रहा है कि करना क्या है, और जब ये पता चल जाए कि करना क्या है तो होगा कैसे, ये तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि भाई होगा किस तरह। ये तो आप जो है क्या ऊपर, कहते, जी लेकिन सर इसमें आप थोड़ा अगर ऊपर करते हैं। एक, थोड़ा एक्सक्यूज मी जी जी सर, कोई जी जी बोले, प्लीज बोले। मैं पूछ रहा हूँ सर, अगर एक टाइटल के कॉलम को हम ड्रॉप कर दें तो मे बी पॉसिबल कि कोई वैल्यू इस पूरे डेटा के अंदर ऐसी आ रही हो कि जो कि डिफरेंट हो, तो वो तो मिस हो जाएगी। इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका भी मैं आपको तरीका बता रहता हूँ, ठीक है, कि वो कैसे हो सकता है, ये भी हम तरीका बता देते हैं आपको कि भाई अगर इसमें आपने चेक करना है तो आप जो है कंपैरिजन ऑपरेटर लगा ले, ठीक है, और कंपैरिजन ऑपरेटर लगाएंगे तो बहुत बड़ी, आपके पास कोई 4,300 मरतबा 2 आएगा, उसको आप सम कर ले तो आपके पास आंसर ही 4,800 आना चाहिए। वरना आपके पास एक और तरीका भी होता है कि आप डेटा फ्रेम में टाइटल एक्स लिखें, तो आपको अगर सिंगल आंसर चाहिए और इसके अंदर लिखें डॉट इक्वल्स,
ये आपको पूरा का पूरा का एक आंसर देगा ट्रू या फॉल्स में, और यहाँ पे आप दे दें टाइटल वाई, तो ये आपको सिर्फ सिंगल आंसर देगा, या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। अगर ये फॉल्स देता है तो इसका क्या मतलब है, अगर ये फॉल्स आंसर देगा तो इसका क्या मतलब होगा तो पता है? डेटा में डिफरेंस है कुछ कोई एक, अगर कोई एक भी मैच डिफरेंट है आया, कोई एक ऐसा? भी वैल्यू डिफरेंट हुई तो ये आपको फॉल्स दे देगा, और अगर आपके पास कोई एक भी वैल्यू डिफरेंट नहीं हुई तो ये ट्रू देगा। तो आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, एंड दिस इज शोइंग दैट कि हर वैल्यू सेम है, यानी कि आप कंपैरिजन ऑपरेटर भी लगा सकते थे, जो कि मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, आप लोग चाहें तो ये भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको कहा कि भाई चलो वन गो वन, एक एक सिंगल वर्ड में आंसर चाहिए, तो आप ये भी कर सकते थे और इनको सम कर लें। तो इसका सम कितना आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए अगर सारे ट्रू होते तो? सम कितना आना चाहिए था? 4803, 4803। 4803 आना चाहिए था, तो इसका आंसर भी 4803 आ रहा है। और ये भी हमें यही बात बता रहा है कि भाई एवरीथिंग इज इक्वल, एवरीथिंग इज इक्वल मीन 4803 तमाम वैल्यू इक्वल है। नाउ वी हैव, चलें इस बात से हमें ये भी पता चल गया कि अगर हमारे पास डाउट होता तो हम कैसे इस चीज को देख सकते थे, बातों बातों में चीजें निकल आती हैं। एनी वे नाउ वी आर कॉन्फिडेंट टू ईदर ड्रॉप दिस और ईदर ड्रॉप दैट वन, इट्स योर चॉइस, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, आप किसी को भी ड्रॉप करवा दें और किसी को भी रीनेम कर दें। तो आई एम गोइंग टू, मेरे अब डेड ऑफ नेम का नाम डीएफ रखा हुआ है, डीएफ डॉट ड्रॉप, ड्रॉप में आप लेट सपोज कि आप टाइटल वाई को ड्रॉप करवाना चाह रहे हैं। टाइटल वाई यानी कि एक कॉलम, कॉलम का एक्सेस क्या होता है, कॉलम का एक्सेस क्या होता है, यानी कि वन कॉलम, कॉलम का मतलब है कि आप एक कॉलम से दूसरे वन कॉलम में जाएंगे तो आप हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाएंगे तो आप हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं। तो अब मैं वन वन नहीं लिखूंगा क्योंकि वन आप लोगों को याद हो चुका है, अब मैं कॉलम्स लिखूंगा क्योंकि अच्छा है ना चीजें चेंज करते हैं। और फाइनली मैं इन प्लेस टू कर दूंगा, इन प्लेस टू का मतलब ये है कि मुझे करना, अच्छा मुझे पता है एक्सेस वन को तो हम कॉलम्स कहते हैं, तो एक्सेस जीरो को क्या कहेंगे? ये अब मैं आप लोगों का टेस्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली एक्सेस जीरो को क्या इंडेक्स इंडेक्स, इंडेक्स वेरी गुड वेरी गुड, इंडेक्स कहेंगे। नाउ इट्स वर्क नाउ, बट अभी भी हमारे पास टाइटल एक्स लिखा हुआ है, टाइटल एक्स को मुझे रीनेम करना है। हाउ कैन वी डू दैट? हमारे पास डेटा फ्रेम के अंदर रीनेम का ऑप्शन है, होता है रीनेम, हमेशा या तो इंडेक्स को रीनेम करेगा या कॉलम्स को रीनेम करेगा। हमें इसको बताना पड़ेगा कि हमें कॉलम्स को रीनेम करना है तो हमें एक्सेस भी बताना पड़ेगा। तो रीनेम हमेशा इंडेक्स एंड कॉलम पे चलता है, अंदर की वैल्यूज को, यानी कि डेटा को रीनेम नहीं कर सकता ये सिर्फ और सिर्फ आपके हेडर्स को, ये भी आपके हेडर्स हैं, यानी कि ये भी आपकी लेबलिंग्स हैं और ये भी आपकी लेबलिंग्स हैं, ये जो 0 1 2 3 4 देख रहे हैं, तो ये आपकी एक्सेस वन की लेबलिंग होती है और ये एक्सेस जीरो की लेबलिंग होती है। इस वजह से रीनेम हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपके इधर और इधर ही चल सकते हैं, अंदर नहीं चल सकता। अंदर के लिए आपको कुछ और टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, जो कि हम लोग बहुत सारी सीख भी चुके हैं, जैसा कि हम रिप्लेस वगैरह करते रहते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं एक डिक्शनरी दूंगा, डिक्शनरी देने का, देखें रीनेम का ये ब्रैकेट है, तो पहले तो आप डिक्शनरी बाई लें कि आप टाइटल की जो है वो एक डिक्शनरी बनाने, टी लिख दिया मैंने, डिक्शनरी, डिक्शनरी में आप पुरानी वैल्यू लिखें टाइटल अंडरस्कोर एक्स, और यहाँ पे आप लोग लिखते हैं टाइटल क्या, क्योंकि आप जो है, क्योंकि आप जो है टाइटल एक्स को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इसमें, और इसका एक्सेस क्या होगा भाई, किस एक्सेस पर रीनेमिंग हो रही है, किस एक्सेस वन पे पे रीनेमिंग, वन पे हो रही है रीनेमिंग, यानी कि कॉलम साइड पे रीनेमिंग हो रही है, और आप इन प्लेस टू कर दें। नाउ हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने डेटा की क्लीनिंग की तरफ जा रहे हैं, अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर कॉप यहाँ पे मैंने कॉलम में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे होता है कॉलम सेपरेटेड, कॉमा सेपरेटेड डिक्शनरी नहीं होती, तो ये हो गया आपका अपडेटेड। नाउ इफ यू चेक द नाउ इफ यू चेक द कॉलम्स, सो यू वोंट हैव अ ड्यूप्लीकेशन हियर, ठीक है, बट स्टिल वी हैव सम ड्यूप्लीकेशन ऑन द आईडी, दिस आईडी एंड द मूवी आईडी, ठीक है? तो हमारे पास आईडी एंड मूवी आईडी में ड्यूप्लीकेशन है। नाउ आप लोग चाहें तो इस आईडी को भी रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि आईडी का हमारे पास काम बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो सिंगल आईडी को रखें या सिंगल आईडी को नहीं रखें, मैंने सोचा कि आपको एक की करवा दूं, बाकी आप लोग खुद कर लेंगे, तो आईडी और मूवी आईडी को हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, रेकमेंडेशन सिस्टम वैसे क्या होता है? रेकमेंडेशन सिस्टम यही होता है कि, अच्छा रेकमेंडेशन सिस्टम की भी कुछ टाइप होती है, जिस तरह के एक होती है डेमोग्राफिक फिल्टरिंग,
डेमोग्राफिक फिल्टरिंग क्या होती है, अगर आप लोग कभी देखें जाके, डेमोग्राफिक फिल्टरिंग होती है जी, डेमोग्राफिक फिल्टरिंग क्या होती है, डेमोग्राफिक फिल्टरिंग ये होती है कि भाई ये आपको सिर्फ ये बड़ा बड़ा आप समझ लें कि बड़ा सिंपल सा एक आपका रेकमेंडेशन सिस्टम होता है। इसके अलावा भी हमारे पास अच्छे सिस्टम होते हैं जिस पे हम बात करेंगे, अभी अभी बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो हमारे पास डेमोग्राफिक फिल्टरिंग ये होती है कि वो ये देख रहा होता है कि भाई किसका ट्रेंड चल रहा है, वो ये नहीं देख रहा होता कि देखें, एक होती है कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, वो क्या होती है, दोनों में अभी मैं फर्क बता देता हूँ। कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग एक तो होता है डेमोग्राफिक फिल्टरिंग के, भाई क्या ट्रेंड चल रहा है, अर्तरुल सभी देख रहे हैं अर्तरुल, लेकिन भाई अगर मुझे मुझे अर्तरुल या अर्तरुल जैसे रिलेटेड ड्रामोस का शौक नहीं है, मिसाल के तौर पर मैं देखना चाहता हूँ भाई घर में झगड़े क्या हो रहे हैं, ऐसे भी तो ड्रामे आ रहे हैं आजकल, तो मेरी अगर चॉइस फॉर एग्जाम्पल ऐसी है, बहुत क्या कह रहे हैं, सास भी कभी बहू थी, हाँ बहुत बिल्कुल बिल्कुल, सास भी कभी बहू थी। अगर लेट सपोज के देखिए ना, हो सकता है कि फीमेल जो है वो फीमेल भी देखनी है अर्तुरुल जैसे ड्रामे, लेकिन हो सकता है कि उनकी चॉइस में वो ना आता हो। तो लेकिन डेमोग्राफिक फिल्टरिंग क्या करेगा, डेमोग्राफिक फिल्टरिंग आपको वही चॉइस देगा जो टॉप ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक बड़ी सिंपल, ये सिंपल एक टेक्निक होती है जिसमें आपको बस ट्रेंडिंग चीजें नजर आ रही होती हैं, लेकिन ये जो कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग है ये थोड़ी सी एडवांस फिल्टरिंग होती है, ये देखता है कि आपकी नेचर क्या है, आपको पसंद क्या है, आप थ्रिलर मूवी देखते हैं, एक्शन मूवी देखते हैं, किस तरह की मूवी देखते हैं, ठीक है, या कॉमेडी मूवी देखते हैं, क्या आपको क्या पसंद है। तो ये थोड़ा सा डीप में जाके आपकी चॉइस को एनालाइज करता है और फिर आपको जाके बताता है। इसी तरीके से जब भी आप अपनी ऑडियंस के सामने, अपनी मैनेजमेंट के सामने बैठे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस जो है वो किस टाइप की रिपोर्टिंग देखना पसंद करेगी, या वो क्या, वो अगर अपने सिस्टम में क्या लिखे कि उनको उसी के मुताबिक उनकी चीजें उनको आ जाएं। तो आप लोग शुरू में तो पहले उनसे फॉर्म वॉर्म भरवाएंगे जो कि डिजिटल फॉर्म होगा, जब उनकी नेचर आपको पता चल जाएगी फिर आप उनके पैटर्न्स को देखना शुरू करेंगे, और पैटर्न्स को देखने के बाद उनको रेकमेंड करेंगे। लेट्स फर्स्ट गो विद द डेमोग्राफिक फिल्टरिंग, ये डेमोग्राफिक फिल्टरिंग भी हम कैसे कर सकते हैं। डेमोग्राफिक फिल्टरिंग का आइडिया तो आप लोगों को पता चल गया, डेमोग्राफिक फिल्टरिंग का आइडिया आप लोगों को पता चल गया जी, डेमोग्राफिक फिल्टरिंग का आइडिया आप लोगों को पता चल गया कि डेमोग्राफिक क्या, फिल्टरिंग क्या होती यस सर, यस सर, है। इट्स अ ट्रेंडिंग, इट्स समथिंग यू नो वेरी पॉपुलर, जो वैसे हमारे पास पॉपुलर का, मैं पॉपुलर बोल रहा था, पॉपुलरिटी का हमारे पास कॉलम भी मौजूद है, ठीक है। बहरहाल हम इस पॉपुलैरिटी पे नहीं जाएंगे, हम अपना खुद केस बनाएंगे, हम अपना केस खुद बनाएंगे, वरना तो मैं यहाँ से लेके सीधा सीधा इसको सॉर्ट आउट करूँ और मुझे पॉपुलर चीजें मिल जाएं, लेकिन वी विल गो विद अवर मॉडल्स एक्चुअली, ठीक है। तो अब हमें निकालना है ट्रेंडिंग, सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा जो कि खास तौर पे जो आपके नेटफ्लिक्स वगैरह है उसमें अगर आप उनके पीछे जाके एल्गोरिदम वगैरह चेक करने का आपको मौका मिले, या आप उनके बारे में पढ़ने का मौका मिले, तो आप देखेंगे कि जो आपके पास इंटरनेट मूवी डेटाबेस होता है उसमें ज्यादातर वो लोग ये देखते हैं कि जो आपका जो वोट काउंट है उसका, देखें अगर मैं वोट काउंट देखूं, चले पहले देख भी लेते हैं वोट काउंट क्या है। देखें बात ये नहीं है कि मुझे इस बारे में पता है, बात ये है कि जब आप जिस डेटा पे काम कर रहे होंगे तो आप उसकी पूरी की पूरी नॉलेज अपने पास रखेंगे ना, जिस भी क्लाइंट के साथ काम करेंगे या अपने डेटा के पास, तो आप ये कहेंगे कि भाई आपको तो ये बात पता है कि जो इंटरनेट मूवी डेटाबेस है वहां पे ये सारी चीजें इस्तेमाल हो रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा। जब भी आप किसी डेटा के साथ काम करेंगे तो जो डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा होगा उसके साथ आप मिलके तो बैठेंगे ना, वो डोमेन एक्सपर्ट होगा, क्योंकि हर चीज की नॉलेज आपको नहीं हो सकती और किसी को भी नहीं हो सकती, तो ये करना पड़ेगा। अच्छा देखिए अगर हमारे पास, मैं इसकी बात करूं तो अच्छा मैं कॉलम्स को डिस्क्राइब भी करवा सकता हूँ, डिस्क्राइब का मतलब ये है कि ये पहले तो कॉलम कौन सा है, ये एक मुझे वोट काउंट है तो मुझे एक इंटीजर कॉलम लग रहा है, कुछ इस टाइप का ही कॉलम होगा, तो ये मुझे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा, नंबर ऑफ काउंट बताएगा कि भाई इसमें कोई 4803 जो है वो डाटा मौजूद है, फिर वो मुझे क्या बताएगा, मीन बताएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगा, फिर मुझे परसेंटाइल भी बताएगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम बताएगा। हमने डिस्क्राइब पहले भी यूज कर चुके हैं, दोबारा भी यूज कर लेते हैं। देखें ये बता रहा है काउंट के टोटल वैल्यू इसमें 4806 है, इस पूरे डाटा का अगर आप मीन निकालें तो 690 आएगा, अगर आप इस पूरे डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो ये आएगा, मिनिमम किसी ने वोट किसी मूवी को दिए तो वो जीरो है, यानी कि वो
पता नहीं किसी को पसंद ही नहीं आई होगी वो मूवी, ठीक है। और अगर मैक्सिमम किसी मूवी को वोट पड़े हैं तो वो 13,752 जो है वो आपके पास जो है वो वोट पड़े हैं, आपके पास 13,752 जो है वो वोट्स पड़े हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे आउटलायर्स नजर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं आउटलायर? आप लोगों को आउटलायर नजर आ रहा है? आए जरा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बना के देखते हैं इसके ऊपर कौन सा प्लॉट बन सकता है। अगर आपके पास एक कंटिन्यूअस इस टाइप की वैल्यूज हो तो आपके पास कौन सा ग्राफ बन सकता है? इंस्टाग्राम हिस्टोग्राम बन सकता है, गुड। नहीं, स्कैटर तो दो दो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बनेगा ना, मैंने मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करवाया था। करवा अगर लिया है। ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी कुछ जो कि बहुत माइनर सा है, नजर ही नहीं आ रहा आप लोगों को, क्योंकि मैंने मैक्सिमम वैल्यू देख ली थी कि 13,752 है, तो 13,752 तो यहाँ पे कुछ कहीं वैल्यू आ रही होगी, इसका मतलब है ये तो कुछ आउटलायर्स है। आउटलायर्स को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं भाई, किसी को पता है आउटलायर्स कैसे चेक किया जाता है? हम पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालते हैं, याद है कि नहीं याद है? मुझे याद आ रहा है कि मैंने किसी सेशन में आप लोगों को करवाया था, और आप लोगों को याद होगा कि इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं ठीक कि जो आपकी 75 परसेंटाइल पे वैल्यू हो माइनस 25 परसेंटाइल पे वैल्यू टू हो, थ्री माइनस इसका क्यू वन मतलब है हाँ क्यू थ्री माइनस क्यू वन इज बिकम आई क्यू आर। तो आप लोग आई क्यू आर वगैरह निकाल कर देखें, ये मेरा काम है कि मैं आपको बताता रहूं, लेकिन जाहिर बात है हमारे पास एक क्लास में 2 घंटे होते हैं, तो एक चीज मैं बता देता हूँ ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि बस उसको वैलिडेट कर लूँ आपके साथ बैठकर कि भाई आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उसको, अब जाहिर बात है अभी देखें मैं इसको टाइप कास्ट कर रहा हूँ, वरना तो मुझे चाहिए था कि इसको ऑटोमेट करता, डायरेक्टली कुछ ऐसा फंक्शन बनाता कि ये निकल के आ जाता, तो ये मेरे पास आई क्यू आर आ गया। अब मेरे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है, अगर आप चेक करें तो मेरे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज ये आ गई है। आई क्यू आर में अगर आपको अपर लिमिट चाहिए, अगर आपको अपर लिमिट चाहिए अगर आपके पास अपर लिमिट चाहिए, यानी कि अपर लिमिट का मतलब है कि उससे नीचे ना जाए, उससे नीचे ना जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको Q3 में, Q3 आपका है 737, उसमें आपने ऐड करना पड़ेगा 683 मल्टीप्लाई बाय 1.5। 1.5 हमारा विस्कर रेट होता है, ये भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मैं इसको दोबारा डिस्कस करूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप हमारी इसी सेशन की, ये जो मॉड्यूल चल रहा है इसी की सेशन की अर्लियर क्लासेस में जाएं तो यू विल हैव द आइडिया कि मैंने इसके ऊपर क्या क्या बातें करी थी, तो प्लीज गो बैक एंड सी। और आपके पास लोअर लिमिट जो होगी वो क्या होगी वो भी हम देख लेते हैं। लोअर लिमिट में आप के पास जो लोअर वैल्यू है, लोअर वैल्यू आपके पास लोअर क्वार्टाइल जो है आपका, यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल जिसे कहते हैं, वो जो है आपके पास 54 है, तो ये नेगेटिव में चले जाएगी, तो इसका मतलब हम लोग सेफ तो हैं, हम लोग यहाँ पे सेफ हैं। और आप यूं कर दें तो आपके पास अपर एंड लोअर आ जाएगा, तो अपर देखें, इससे ऊपर अगर आप कोई भी चीज को लेके जा रहे हैं, यानी कि ये तो 1766 है ना, ऑलमोस्ट 1800 है, ये तो पता नहीं कहाँ पहुंच गया, पता नहीं ये किसने इसको दे दिया, मुझे लग रहा है कि दिस इज द करप्ट डेटा, दिस इज द करप्ट डेटा। और हमारे पास जो है क्या कहते हैं, लोअर लिमिट में जाएं तो वो नेगेटिव में जा रही है, तो नाउ वी आर सेफ, क्योंकि हमारे पास जीरो से कम तो कुछ है ही नहीं, जीरो से कम तो कुछ है नहीं, तो यानी कि हम लोग जो बॉटम साइड पे हैं वहां पे तो हम लोग सेफ हैं, लेकिन अपर साइड पे हमारे पास नहीं है। ये हम लोग बॉक्स प्लॉट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, बॉक्स प्लॉट हमारे को बताता है, बॉक्स प्लॉट हमारे को बताता है कि यही वाला पैटर्न बताएगा, यही वाला पैटर्न सर बताएगा कि जी जी बोले जी सर इसमें जी एक चीज पूछनी थी, ये जी जी IQR हमारा 683 आया ना, तो अपर जी में जी हमने 686 किया है, इसको 683 नहीं होना चाहिए? हाँ, तो ये तो मैं सही कह रहे हैं ना, अब मैं क्योंकि टाइप कर रहा हूँ तो कॉपी पेस्ट करने में गलती होगी, आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया, मैंने पता नहीं क्यों 686 लिख दिया। अच्छा जी, ये देखें हमारे पास 176 1.5 से जितनी भी वैल्यू ऊपर जाएंगे उसको ये आउटलायर कह रहा है। ये देखें आप, ये कहीं ना कहीं वैल्यू होगी 176 1.5, ये ग्राफिकली भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तकरीबन वैल्यू है 176। ये देखें हमारी, क्योंकि अपर लिमिट
हमारी अपर लिमिट आ रही है, दिस इज कॉल्ड द बॉक्स प्लॉट. देखिए मैंने लिखा हुआ भी है बॉक्स प्लॉट, बल्कि इसको बॉक्स प्लॉट भी नहीं कहते, इसको कहते हैं विस्कर एंड बॉक्स प्लॉट. इसको कहते हैं विस्कर एंड बॉक्स प्लॉट. ये आपके आउटलायर्स को वैसे ही बता देते हैं कि भाई कौन कौन से आउटलायर हैं. विस्कर एंड बॉक्स प्लॉट, ये देखें वो कभी आपने ग्लास देखा होगा जिसमें विस्की पी जाती है, तो वो ऐसे ही होता है. ये तो अभी आपको सही नजर नहीं आ रहा, ये भी नीचे तक आता है, तो वो उसके पूरी की पूरी एक जो है आप ये समझ लें कि उसका एक स्टैंड होता है जिसको आप पकड़ के उस ग्लास में पी रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड विस्कर एंड बॉक्स प्लॉट. तो इसमें देखें ये बता रहा है कि कितनी ज्यादा वैल्यू आपके आउटलायर्स हैं, यानी कि भाई ये कौन सी है, तो यानी कि ये तो ब्लॉक्स बस्टर मूवीज भी हो सकती हैं. ठीक है, तो वी हैव टू इन्वेस्टिगेट दिस, वी हैव टू गो टू द डोमेन एक्सपर्ट एंड वी हैव टू आस्क दिस वेदर इज दिस पॉसिबल और नॉट, क्या ये ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता. तो हमें इस चीज को जो है क्या कहते हैं कंसीडर करना पड़ेगा कि क्या चीज हो सकती है क्या चीज हो नहीं सकती. चलें बहरहाल मैंने आप लोगों को यहाँ पे दोबारा से एक मर्तबा दिया है और फिल्टरिंग आउट करने का तरीका बताया. अभी मैं इस चीज को फोकस नहीं कर रहा, मैं अपने चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ अपने अपने काम पे फोकस करूँ, जो मैं आज आपको ट्रेनिंग देने आया हूँ, जो मेरे पास एजेंडा मौजूद है उस पर मैं रहूँ. अच्छा जी देखें, अगर मुझे ये टॉप ट्रेंडिंग देखना है, जिस देखें हम वी आर वर्किंग ऑन द डेमोग्राफिक फिल्टरिंग, वी आर वर्किंग ऑन द डेमोग्राफिक फिल्टरिंग, कि हम लोग जो है वो डेमोग्राफिक फिल्टरिंग पे, इसको मैं हेडिंग ही बना देता हूँ कि वी आर नाउ वर्किंग ऑन द डेमोग्राफिक फिल्टरिंग. अच्छा भाई अगर क्लास ऊपर चले जाए टाइम से थोड़ा सा या नीचे हो जाए तो वो आप लोगों ने माइंड नहीं करना, क्योंकि अब चलता है इतना ना, थोड़ा सा करना चाहिए हम लोगों को, ज़्यादा पढ़ना चाहिए थोड़ा सा. ठीक है, जिस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं हमें भी जल्दी जल्दी मार्केट में काम करना आना चाहिए, तो इसके लिए अगर हम 15-20 मिनट ऊपर पढ़ने कोई इशू नहीं. अच्छा जी डेमोग्राफिक फिल्टरिंग में हमें ये देखना पड़ेगा टॉप ट्रेंडिंग हमारे पास जो है वो कौन सी मूवीज हैं. तो सबसे पहले हमें एक बेंचमार्क लगाना पड़ेगा इस डाटा में कि भाई हम किसको टॉप ट्रेंडिंग मूवी कहें, किसको टॉप ट्रेंडिंग मूवी कहें. जाहिर बात है आप कंसल्ट करेंगे दोबारा उस डाटा के ऑनर से, डाटा के एक्सपर्ट से, वो आपको बताएगा कि भाई हम फला क्राइटेरिया रखते हैं कि जिससे हम समझते हैं कि भाई वो टॉप मूवी होगी. तो मैं एक काम करता हूँ, ये तो 75% आ रहा है ना, अब जाहिर बात है ये तो बहुत नीचे हो जाएगा. मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ कि जो के टॉप को करे, मिसाल के तौर पे मैं 90% की वैल्यू, वैसे 90% तो इधर नजर नहीं आ रहा मुझे, 90% तो मैं एक बेंचमार्क ये ले लेता हूँ कि भाई जो 90% से जितनी भी आपके पास जो है बराबर या उससे बड़ी वोट, जिसके ज्यादा वोट होंगे वो ट्रेंडिंग में होंगी मूवी. ठीक है, तो हाउ कैन आई गेट द 90% वैसे मैं यहाँ पे भी 90% लेकर आ सकता हूँ. ये देखें आप, हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है परसेंटाइल का, डिस्क्राइब के अंदर ही परसेंटाइल्स का, इसमें आप लिस्ट दे दें जो जो आपको चाहिए. अगर आपको 1% चाहिए वो भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 10% चाहिए वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन मुझे 90% चाहिए तो मैं 0.9 दूंगा. तो ये मुझे दिखा भी देगा कि 90% में मेरे पास वैल्यू, अब देखें बाकी चीजें नहीं दिखा रहा, सिर्फ 50 दिखा रहा है और 90 दिखा रहा है. तो मैं इसको बता भी सकता हूँ भाई मुझे 25 भी दिखाओ, मुझे 50 तो वो वैसे ही दिखाएगा, 50 भी दिखाओ, मुझे 75 भी दिखाओ और मुझे 90 भी दिखाओ, तो आप सारी चीज़ें दिखाएगा मुझे. ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वरना एक और भी तरीका है कि उस सीरीज में आप लिख दें क्वांटाइल्स, क्योंकि ये एक्चुअली क्वांटाइल ही है आपके पास. तो अगर आप यहाँ पे क्वांटाइल लिखेंगे और क्वांटाइल में 0.9 देंगे तो वो सीधा सीधा आंसर निकाल के दे देगा, इतनी बड़ी लंबी कहानियां नहीं देगा आपको कि भाई ये 90% ये आ रहा है. वो कह देगा अच्छा मैं बता ही देता हूँ 90% कितना आ रहा है. तो ये बता रहा है कि आपके पास 90% यानी कि ये वाली वैल्यू, ये दोनों सेम ही वैल्यू है, इसको मैं राउंड ही कर देता हूँ, राउंड इंटू वन डिजिट कर देता हूँ, तो मुझे जो है, या टू डिजिट कर देता हूँ, तो मेरे पास छोटी सी वैल्यू आ जाएगी ये वाली. तो भाई ये मेरा, ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, दिस इज द मिनिमम वो रिक्वायर्ड जिसके लिए हम उसको ट्रेंडिंग समझ सकें, यानी कि आप ये समझ लें दिस इज द मिनिमम वोट, कि इतने वोट्स तो होने चाहिए किसी भी मूवी के. अब जाहिर बात है मैं बड़ी बड़ी वैल्यू इस वजह से लेकर आया हूँ कि ये ना हो कि ये वाला पार्ट ही निकल जाए. तो मैंने कहा कि भाई कुछ हमारे पास ऐसी मूवीज आ जाएं जो कि इतनी या इससे ज्यादा वोट लिए हों, वो सारी की सारी ट्रेंडिंग मूवी हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये हो सकता है ये ब्लॉकबस्टर्स हों. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है जिसका नाम मैंने एम रख दिया है आप लोगों की आसानी के लिए. तो इधर एम का क्या मतलब होगा जी, एम का क्या मतलब होगा यहाँ पे,
एम का मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ इट्स द मिनिमम वोट रिक्वायर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द ट्रेंडिंग, या पार्ट होगा वो किसी भी ट्रेंडिंग का या पॉपुलैरिटी का एक्चुअली, ठीक है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू से हियर कि ये जो है दिस इज द मिनिमम वोट्स टू बी द पार्ट ऑफ द, क्या आप मैं अपने डाटा को फिल्टर कर सकता हूँ इसके हिसाब से? मुझे सिर्फ और सिर्फ वही मूवी देखनी है जिसका वोट काउंट या तो इसके बराबर हो और या तो इससे बड़ा हो. कर सकता हूँ नहीं कर सकता बताइए, बताइए क्या मैं सिर्फ और सिर्फ वही मैं मुझे वो मूवीज निकालनी है जो क्वालिफाई करती हैं ट्रेंडिंग के लिए, और ट्रेंडिंग की क्वालिफिकेशन का वैल्यू मैंने ये बता दिया कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू टू क्वालिफाई फॉर द टू बी द पार्ट ऑफ द चार्ट. हमारा जो पूरा चार्ट बन रहा है उसका आप पार्ट बन सकते हैं. तो अगर मैं क्वालिफाइंग मूवीज की बात बताऊं यहाँ पे, तो क्वालिफाइंग मूवीज यहाँ पे ये यह हो सकती है कि मैं गया डीएफ, इसी में चले जाते हैं, मैं अब बूलियन स्टेटमेंट लगाऊंगा. मैंने क्या किया, डीएफ काउंट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम वैल्यू, और एम वैल्यू अभी आपके पास, इसको यहाँ पे प्रिंट भी करवा देते हैं आपके पास, तो एम वैल्यू आपके पास ये है. तो मैंने एक बूलियन स्टेटमेंट बता दी, ये तो बूलियन स्टेटमेंट है. बूलियन स्टेटमेंट से बूलियन इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं? सिंपल बात है, आप इससे पहले इंडेक्सिंग का ब्रैकेट बनाए, बूलियन स्टेटमेंट से पहले और आखिर में इंडेक्सिंग का वैल्यू बनाए और डेटा फ्रेम का नाम लिख दें, तो ये सिर्फ आपको वही वैल्यूज रिटर्न करेगा जहां पे वोट काउंट या तो इतना होगा या इससे ज्यादा होगा, इससे कम नहीं हो सकता. तो अगर आप देखेंगे तो अब आपके पास सिर्फ क्वालिफाइंग मूवीज आ चुकी हैं जो कि आपके ट्रेंडिंग पे जो है वो क्वालिफाई करती हैं ऑन दिस वैल्यू एक्चुअली, ठीक है. अब ये तो हो गया. अच्छा, अगर आप इनको ये जो इनका जो डाटा बेस है इसमें अगर आप जाके दोबारा से देखें, तो इन्होंने जो है क्या कहते हैं टॉप ट्रेंडिंग के स्कोर्स डिफाइन करने का जो है वो फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है, ठीक है. मिसाल के तौर पे अगर आप इस डाटा को देखें, तो मैं आपको बताऊं. अच्छा जी, आप लोगों के पास, आप लोग क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे आप लोग वोटिंग एवरेज को लेंगे पॉपुलैरिटी के लिए या वोट काउंट को लेंगे, क्या करेंगे आप लोग? जी बताइए, आप लोग क्या करेंगे, वोट काउंट को लेंगे या, हाँ एक तो जवाब मेरे पास आ गया वोट काउंट, या आप वोटिंग एवरेज को लेंगे. व्हाट वुड बी योर क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई कि कौन सी जो मूवी है वो सबसे ज्यादा टॉप पे, इन सब में ज्यादा टॉप में, जी क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आप लोगों का? वोटिंग एवरेज, आप इसको भी कुछ ना कुछ वेट दें और इसको भी कुछ ना कुछ वेट दें और इन दोनों को सम कर दें. फिर मिसाल के तौर पे अगर किसी मूवी का वोटिंग एवरेज जो है वो 8.9 है लेकिन सिर्फ उसको 3 वोट्स पड़े हैं, एक मिसाल है, तो क्या वो उस मूवी से बेहतर है जिसका वोटिंग एवरेज 6.9 है और उसको 4,500 वोट पड़े? तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा ना, वेट दोनों को वेट देना पड़ेगा, दोनों को ही वेट देना पड़ेगा. तो इसका भी इन लोगों ने, यानी कि जहां से ये डाटा है इन लोगों ने इसको भी डिफाइन किया हुआ कि भाई ये बहुत आसान है. मिसाल क्वेश्चन है मेरा, जी फरमाए सर, फरमाए. वोट, जो वोट एवरेज है दिस शुड बी डिपेंडेंट ऑन वोट काउंट, जितने मेरे वोट काउंट बढ़ेंगे तो वोट एवरेज पे इफेक्ट आ रहा होगा. हाँ, इन दोनों को कंसीडर करो. नहीं लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ पे जो आपकी वोटिंग है ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई मल्टीपल वैल्यूज हो, जबी तो इन्होंने 2 कॉलम दिए हैं. और अगर मैं वेटेज भी ले लूंगा तो आंसर वही आएगा मेरा, ठीक है. अगर आप ये कहते हैं ना कि एक चीज जो है वो उसी से निकल के बनी है, तो जो चीज उसी से निकल के बनी है अगर आप उसको रिवर्स करेंगे तो आपका आंसर भी वही आएगा. तो अगर आप वेटेड एवरेज ले रहे हैं तो यू आर डूइंग ऑन द सेफ साइड, ठीक है, आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है. हाँ, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो नुकसान हो सकता है. तो अभी आपकी बात जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो आप कर रहे हैं बड़ा सेफ साइड होके काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को. आप कहते हैं ना कि भाई कोई बंदा जो है वो सिंगल क्यों बना रहा है, वो 6 मार दे गेम ही खत्म हो जाएगा. तो हम कहते हैं नहीं भाई, थोड़ा सेफ खेल रहा है वो, लेकिन बात यह है कि ये अगर इस तरीके से खेलेगा जब भी वो मैच जीत जाएगा, और अगर 6 मारेगा जब भी मैच जीत जाएगा, तो बेहतर ये है कि यार थोड़ा सा ना, अगर ये ऐसे खेल रहा है जब भी सही है और वैसे खेल रहा है जब भी सही है, तो हमें थोड़ा सा सेफ साइड और सिक्योर रहना चाहिए. और दूसरी बात ये है कि मैं इस पे, इस वजह से भी और थोड़ा सा जो है वो मेरा वेट ज्यादा है, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ ये खुद इन लोगों ने डिफाइन किया, मतलब इन लोगों ने डिफाइन किया, मेरा अपना भी फॉर्मूला नहीं है. तो जब ये लोग डिफाइन कर रहे हैं और ये लोग
ये लोग जो है क्या कहते हैं इंटरनेट मूवीज का जो डेटाबेस में जो फॉर्मूला डिफाइन किया है वो अगर जो है बोल रहे हैं कुछ बात, तो फिर तो हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि अल्लाह ताला एक है, दैट्स ऑल, हमारा ईमान है। हमने अल्लाह ताला को आज तक नहीं देखा, यही तो ईमान है कि हमने नहीं देखा, जन्नत में इंशाल्लाह देखेंगे। तो ऐसे ही हमें एक बंदा इस चीज़ का ऑनर है, वो ये कह रहा है कि भाई हमारी ट्रेंडिंग ये होती है, तो बस हमें जो वो बोल रहा है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी ये है कि जहाँ पे हमारे पास कंफ्यूजन होती है तो फिर हम वो डिस्कस करते हैं अपनी पूरी टीम से, ऑनर से, तो वो हमें बताता है। बहरहाल इसका फॉर्मूला ये है कि आपको मिसाल के तौर पे इसको एक एग्जांपल ले लें, तो ये कहता है कि भाई वोट जो भी ये एवरेज वोट सॉरी वोट काउंट ये वाला वोट काउंट को डिवाइड करें आप वोट प्लस जो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, जो कि हमारी थी कितनी थी 1800 समथिंग, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करें इसकी एवरेज से, यानी कि इससे इधर आर लिख देता हूँ। ये फार्मूला जो है ये मेरा फार्मूला नहीं है भाई, ये मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि ये उन लोगों का फार्मूला है जिन्होंने ये दिया, ठीक है। तो एक तो ये इक्वेशन आ गई, क्योंकि आपने खुद कहा कि दो इक्वेशन होनी चाहिए, पहली इक्वेशन ये आ गई, वेटेड एवरेज का फार्मूला लिख रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज का एक पार्ट जो हो गया, प्लस दूसरा पार्ट क्या हो गया इसी चीज का ही उलट, यानी कि वो कहते हैं कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसको आप नीचे रखें, बाकी आपकी बेस यही होगी, बेस आपकी यही होगी, मल्टीप्लाई बाय इसका एवरेज काउंट। एवरेज काउंट का मतलब ये है कि ये जो आपका, बल्कि ये भी नहीं, ये तो क्वालिफाइंग मूवीज है, जो आपका ओरिजिनल डाटा है, ओरिजिनल डाटा जो था आपका, जिसका नाम DF रखा था, उसका जो आपने क्या कहते हैं वोटिंग एवरेज लेनी है, क्या लेनी है आप लोगों ने, वोटिंग एवरेज लेनी है, ठीक है। तो ये इन लोगों ने वोटिंग एवरेज कह रहा हूँ, वी फॉर काउंट होता है, वोटिंग काउंट लेना है, तो इसका एवरेज वैल्यू लेनी है आपने कि इसकी एवरेज मीन वैल्यू क्या है ओरिजिनल डाटा की। ये तो क्वालिफाइंग मूवीज का डाटा है, मैं DF की बात कर रहा हूँ जो कि ऊपर था फिल्टर लगाने से पहले। इधर मैं कॉपी भी कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने ओरिजिनल डाटा से ये डाटा बनाया है, तो इसको कॉपी कर देते हैं। तो ये हमारे पास निकालना है, तो सी हमारे पास ये आ जाएगा। तो आए सारी चीजें हम लोग करके देखते हैं। ये मेरे पास वेटेड एवरेज का फॉर्मूला आ गया, कह रहा है कि जो भी आपका काउंट हो, यानी कि ये वोट काउंट डिवाइड बाय वोट काउंट प्लस आपका मिनिमम वैल्यू 1800, यानी कि दिस प्लस 1800 जो भी आया, मल्टीप्लाई बाय आर माने आपका ये एवरेज वैल्यू 8.2, प्लस एम माने वही 1800 जो आपकी मिनिमम आपकी क्वालिफाइंग वैल्यू थी, फिर वोट यानी कि बेस दोनों के सेम है, और मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल डाटा का जो मीन वैल्यू आ रही है वो आपने लेकर इसको एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग भी यही काम करेंगे और सारी चीजें निकाल लेंगे। एम हमारे पास अवेलेबल है, वी भी हमारे पास अवेलेबल है, दिस वुड बी अवर वी एंड दिस वुड बी अवर आर, तो वी प्लस वी भी अवेलेबल है, एम भी अवेलेबल है, आर भी अवेलेबल है, ये सारे, सी अवेलेबल नहीं है, आई सी निकाल लें, और सी निकाल लेंगे तो हमारा फॉर्मूला जो है खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। तो मुझे ओरिजिनल डाटा में से सी निकालना है। अच्छा मैं ये कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इसकी एवरेज वैल्यू ली है, तो इसका मतलब ये है कि जो सी होगा ये एक्चुअली ये वाली देखे ना, ये आर का मतलब तो ये है कि ये जो आपके पास एवरेज रेटिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि सी जो है ये भी आपका इसी का ही मीन होगा, वरना तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब मैं 8.2 ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इतनी बड़ी वैल्यू किस तरह ले सकता हूँ, क्योंकि इसका मीन बहुत बड़ा आएगा। तो वी विल गो विद दैट, ठीक है। अगर मेरा फॉर्मूला अलग भी होता जी, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली, हाँ ये तो बहुत 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 आसान है। पहले मैं सी निकाल लेता हूँ। वी अवेलेबल है, वी वुड बी दिस, जो भी वोट काउंट होगा किसी भी रॉ का, R would be this 8.2, this would be R, किसी भी रॉ का, फॉर एग्जाम्पल इस रॉ का 8 होगा, इस रॉ का V जो होगा ये होगा। M हमने निकाल लिया, C निकाल लेते हैं भाई। C निकालने के लिए हमने क्या करना है सिंपली, अच्छा ये क्योंकि मैंने फॉर्मूला लिखा है तो फॉर्मूला तो ऐसे नहीं चल सकता, इसको मुझे कमेंट करना पड़ेगा वरना एरर आ जाएगा। C निकाल लेते हैं भाई, C की वैल्यू निकलेगी, मेरा ओरिजिनल डाटा है DF के अंदर मुझे जाना पड़ेगा एवरेज वोट एवरेज के तरफ, यानी कि इसी की तरफ, ये वाला कॉलम उसमें भी मौजूद है ओरिजिनल डाटा में, ये क्वालिफाइंग मूवीज का डाटा है, मुझे ओरिजिनल डाटा का एवरेज निकालना है, यानी कि इस कॉलम का मुझे मीन निकालना है, तो ये मेरा सी निकल के आ जाएगा, सिंपल बात जो है, ठीक है। अब सी निकल के आ गया, अब मुझे अपना फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हर रॉ में
हर रॉ में अलग अलग करना है, तो हर रॉ में अलग अलग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मेरे पास स्कोर क्या निकल के आएगा, वेटेड एवरेज क्या निकल के आएगा? वेटेड एवरेज को मैं, वेटेड एवरेज इज अ स्कोर, तो स्कोर लिख देते हैं। तो मिसाल के तौर पर पहली रॉ का क्या निकल के आएगा, पहली रॉ का वी जो है वो है 11, इसका ले लेते हैं यार, ये हमें नजर आ रहा है, तो वी इधर पूरी वैल्यू वन बाय वन लिख देते हैं। तो मुझे वी मिल गया इस वाली रॉ का 2078, इस वाली का आर जो मुझे मिल गया वो मुझे लास्ट वाली रॉ का 8.2 मिला, और मेरे पास एम क्या था, एम क्या था भाई, एम जो भी था वो मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है, तो एम को लिखने की जरूरत नहीं, एम जो भी, हाँ 1800 समथिंग था, एम लिखने की जरूरत नहीं है, एम इज इक्वल टू एम ही लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को याद है कि भाई एम की वैल्यू एम ही है, ठीक है। और मेरे पास सी जो है वो मैंने अभी निकाला है, सी यहाँ पे भी, सी यहाँ पे आ रहा है, तो सी को भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, तो मैं कह देता हूँ सी इज इक्वल टू सी एज वेल, सी इज इक्वल टू सी एज वेल। तो ये हमारे पास ये तमाम चीजें आ गई हैं। सिंपल क्या करना है, वही फार्मूला, फार्मूले में लगना है, फार्मूले की जगह पे बस मैं रिप्लेस करता जाऊंगा सारी चीजों को, आप लोगों ने भी देखना है कि मैं सही रिप्लेस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। सर एक चीज थी, जी जी बोले सर, सर ये हमने अभी जो क्वांटाइल की कंडीशन लगाई है उसके बाद जो है ना हमारा नियरली 90% डेटा ड्रॉप हो गया, तो काफी ह्यूज क्वांटिटी नहीं है? नहीं, हमने ड्रॉप नहीं किया ना, हम तो ट्रेंडिंग मूवीज देख रहे हैं ना, हमने तो ओरिजिनल डाटा थोड़ी ड्रॉप किया, हमने ड्रॉप नहीं किया डाटा को, हमने तो सिर्फ क्वालिफाइंग मूवीज निकाली हैं, हमने डाटा ड्रॉप नहीं किया भाई। ये मैंने एक जिस डाटा पे हम काम कर रहे हैं वो जस्ट 480 समथिंग, हां तो सही है ना, हम लोग तो सिर्फ टॉप मूवीज पे काम कर रहे हैं ना, आप सिर्फ टॉप मूवीज पे ही काम करेंगे ना, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ टॉप मूवीज ही निकाली है, वो आपकी बात सही है, मुझे भी पता है कि अगर मैं इसका शेप चेक करूं तो वो 4000 से पता नहीं 400 को जा रहा है आप कह रहे हैं, क्योंकि 90% का तो यही मतलब होता है कि 400 कुछ हो जाएगा, तो आपकी बात सही है, लेकिन मैंने 400 कुछ आ रहा है, 481 आ रहा है, ठीक है, तो वो बात सही है। देखिए मैंने फॉर्मूले में रख दिया, अब मेरा आखिरी रॉ का स्कोर निकल के आ जाएगा ऑटोमेटिकली, कोई गलती तो नहीं की ना मैंने यहाँ पे, ये जो मेरे पास आ रहा है इस इधर ब्रैकेट एंड में और लगेगा ना सबके पास, यहाँ पे और यहाँ पे भी ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि पहले डिवीजन होगी फिर फाइनली जाके आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है, तो ये सिंपल ये है कि मैंने पहले मल्टीप्लिकेशन पहले पूरा काम कर लिया और फिर फाइनली जाके, या देखें मैंने क्या किया है, अगर यहाँ पे हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पाइथन है वो पहले डिवीजन करता है फिर मल्टीप्लीकेशन करता है, तो अगर आप इसको हटा दें और इसको यूं भी कर दें जब भी चल जाएगा, क्योंकि पहले हमेशा पाइथन में डिवीजन होती है फिर मल्टीप्लीकेशन होती है, डिमास रूल तो हम सब नहीं पढ़ा है ना, डिमास रूल तो मैथ्स में हम सब नहीं पढ़ा है, तो ये भी उसको ही फॉलो कर रहा होता है, तो अगर ये करेंगे भी तो इसका स्कोर सही ऐसे ही आएगा। तो देखें आखिरी रॉ का इसको वी वी वी, अच्छा ये रन नहीं किया हमने, ये देखें तो इसका जो स्कोर आ रहा है, क्योंकि हमने इन दोनों को कंसीडर किया है, तो इसका स्कोर कोई निकल के आ रहा है 7.2, तो यहाँ पे मैं एक कॉलम बनाऊंगा आखिर में, लिख दूंगा 7.2, लेकिन वॉट अबाउट द अदर रॉज, कोई 481 रॉज हैं, इन सब के लिए मैं क्या करूं, कैसे करूं, वन बाय वन करता रहूं, क्या कहते हैं आप लोग, वन बाय वन करता रहूं, फंक्शन बना लें, फंक्शन को बना के फिर हर रॉ पे अप्लाई कर देंगे, जो रॉ होती है उसकी मूवमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है, तो जब हम अप्लाई करेंगे तो कौन से एक्सिस में अप्लाई करेंगे, कौन से एक्सिस में अप्लाई करेंगे, जीरो जीरो में करेंगे, दोबारा से सोचें, जो आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ये कॉलम मूवमेंट होती है, करेंगे हाँ, तो एक्सिस, तो इसका मतलब है हमारे पास एक रॉ, हमारी अजम्पशन ये है कि हमारे पास वन बाय वन रॉ आती जाएंगी, तो रॉ में से मैं वी की वैल्यू भी निकाल लूंगा और मैं क्या कहते हैं आर की वैल्यू भी निकाल लूंगा, तो अजम्पशन ये है कि वी की वैल्यू ये एक रॉ की वैल्यू है और R की वैल्यू ये भी एक इंडिविजुअल रॉ की वैल्यू है, तो मेरा फंक्शन कुछ किस तरह बनेगा कि मैं अगर ये कह लूं कि मैं स्कोर का फंक्शन बना रहा हूं, तो स्कोर में सबसे पहले मेरे पास रॉ आएगी, अच्छा क्या क्या चीजें कांस्टेंट है मैं वो वैसे ही लिख लूं, मिसाल के तौर पे M की वैल्यू तो मुझे कॉन्स्टेंटली रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये तो मैंने खुद कैलकुलेट किया, और सी की वैल्यू भी मैं यहीं पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, इसका मतलब है मेरे पास एक जो आर्ग्यूमेंट है वो मेरे पास आर्ग्यूमेंट जो है वो मुझे देना पड़ेगा, और जो बाकी आर्ग्यूमेंट है ये मेरे पास आर्ग्यूमेंट कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो मैंने पहले से ही इसको डिफाइन कर दिए, इस तरह के हम कभी कभी ये भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मुझे टैक्स कैलकुलेट करना हो और टैक्स का रेट वैसे फिक्स तो नहीं होता, आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा भाई टैक्स कैलकुलेशन का, और मैं लिख दूंगा कि भाई सैलरी आएगी
और इस जो भी सैलरी आएगी उसका टैक्स रेट फिक्स है, तो मैं पहले से भी डिफाइन कर सकता हूँ 0.05 5% टैक्स कटेगा, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो आप कभी कभी फंक्शन के अंदर वैल्यू को जो डिफाइन करते हैं ये कहलाता है कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट ये होता है कि ये आप चाहें तो जब मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूं कि भाई फिर मुझे रिटर्न क्या करना, मुझे रिटर्न क्या करना, सैलरी मल्टीप्लाई बाय टैक्स, तो ये मुझे रिटर्न कर देना। तो मेरा फंक्शन तो जिस तरह बनेगा, ठीक है भाई, मैं फंक्शन सिखा नहीं रहा, फंक्शन आप सबको आता है लेकिन सिर्फ समझाने की हद तक बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करा, अब जब आप इसको फंक्शन का कॉल करेंगे तो बताएं कि कितने आर्गुमेंट देना नेसेसरी है, लाजमी देना है आपने। और अगर आप कहीं ऐसा भी चांस है कि आप वो आर्गुमेंट ना भी दें जब भी चल जाएगा, कोई ऐसा आर्गुमेंट ऐसा है जो प्री डिफाइंड भी है, प्री डिफाइंड भी है। वैसे तो बताएं इस फंक्शन के अंदर कितने आर्गुमेंट आने चाहिए, इस फंक्शन के अंदर एक ही आना चाहिए क्योंकि हाँ देखें इसके अंदर दो आर्गुमेंट आ सकते हैं, लेकिन चूंकि एक आर्गुमेंट आपने पहले से डिफाइन किया है तो ये वाला आर्गुमेंट देना जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाला आर्गुमेंट क्योंकि ये डिफाइन नहीं है देना जरूरी है, तो ये एक आर्गुमेंट पे भी चल जाएगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो सैलरी है वो $5,000 है, ठीक है, तो $5,000 पे ये टैक्स खुद ही कैलकुलेट करके दे देगा बिकॉज समथिंग इज प्री डिफाइंड, बट दिस इज नॉट रिटन ऑन द स्टोन, ये कोई पत्थर पे नहीं लिखा हुआ। अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं 0.5 तो मैंने डिफाइन किया था लेकिन रेट तो 0.6 हो गया, तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं, अब इसका रेट चेंज आएगा। तो दिस इज समथिंग कैन बी ओवरराइड अगर आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और अगर आप यहाँ पे डिफाइन नहीं करते तो एक आर्गुमेंट से भी आपका काम चल जाएगा बिकॉज समथिंग इज प्री डिफाइंड। इधर भी मैं यही कर रहा हूँ भाई, मैं एम की वैल्यू को डिफाइन कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे हार्ड कोड नहीं कर रहा, मुझे याद नहीं है एम की वैल्यू 1800 समथिंग थी, तो मैंने लिख दिया एम की जगह पे, ये वैल्यू आ रही है या एम आ रहा है बताइए, ये क्या है, ये वैल्यू है या एम की वैल्यू है या एम लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे सी की वैल्यू आ रही है या सी लिखा हुआ है, सी की वैल्यू आई, और सिमिलरली यहाँ पे सी की वैल्यू है या सी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है, क्योंकि हमें लेफ्ट एंड राइट का करना पड़ेगा। अब बताएं अगर मुझे इसको देना पड़ेगा तो इसमें मिनिमम कितने आर्गुमेंट देना लाजमी है, मतलब उसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि बाकी दो तो प्री डिफाइंड है ना, तो अगर आप चाहें तो इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि देखें नीचे स्टेप में मैं जाके मैं कहता हूं भाई मेरी सैलरी का जो रेट है वो 5% नहीं बल्कि 6% है, तो यू कैन ओवरराइड हियर जो भी आपने लिखा है। देखें 0.5 पे तो आपका 250 टैक्स निकल के आ रहा है ना, यहाँ पे आपका टैक्स निकल के आ रहा है $300, ठीक है, $5,000 पे आपका जो टैक्स कटा वो $300 कटा। तो आप कहने का मतलब यह है कि ये कोई पत्थर पे लिखा हुआ लकीर नहीं है जो मिट नहीं सकती, ये ओवरराइड हो सकता है, लेकिन बहरहाल। अच्छा जी, अब हमें रिटर्न क्या करवाना है, रिटर्न सिंपल मैंने ये करवाना है, पहले तो मैं वी निकालूंगा, वी मुझे एक रॉ से नहीं मिलेगा तो पहले मैं वी निकाल लेता हूँ क्योंकि वी मेरे पास था नहीं, रॉ के अंदर जाऊंगा। और वी किसको डिफाइन कर रहा था, वी किसको डिफाइन कर रहा था मेरे दोस्तों, वी किसको डिफाइन कर रहा है, वोट काउंट को। तो मैं रॉ के अंदर गया और रॉ के अंदर जाके वोट काउंट के कॉलम को गया तो मुझे उस रॉ का ये वाला मिल जाएगा, क्योंकि मैं रॉ पे अप्लाई करूंगा मेरी अजम्पशन होनी चाहिए, तो मेरा ये आ गया। अच्छा जी, अब मेरा क्या बचता है भाई, आपका आर, क्योंकि बाकी चीजें तो अवेलेबल है, सिर्फ वी और आर अवेलेबल नहीं था, तो आर मेरा जो आएगा वो कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, क्या नाम है, वोट एवरेज से, किससे आएगा, वोट एवरेज से आएगा, तो ये मेरा आर यहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी क्या है, बाकी क्या है, कुछ भी नहीं, फॉर्मूला मेरे पास पहले से बना हुआ है, मैं सिर्फ ये लिख देता हूँ कि स्कोर इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये तो मैंने पहले ही बनाया हुआ है। अब देखें क्या स्कोर निकालने के लिए सारी चीजें अवेलेबल हैं, क्या स्कोर निकालने के लिए सारी चीजें अवेलेबल हैं, क्या स्कोर निकालने के लिए सारी चीजें अवेलेबल हैं, है क्या नहीं है, वी भी अवेलेबल है, एम भी अवेलेबल है, आर भी अवेलेबल है, सी भी अवेलेबल है। और अब आपने इस फंक्शन से रिटर्न क्या करवाना है, इस फंक्शन से चाहिए क्या आपको एट द एंड ICMA का नाम चाहिए, क्या चाहिए, स्कोर चाहिए, तो जो चाहिए उसको रिटर्न करवा लें, सिंपल। और इसको आपने अप्लाई कर लेना अपने डेटा में, आपका डेटा का नाम है क्वालिफाइंग मूवीज के नाम से, क्वालिफाइंग मूवीज डॉट अप्लाई, और डॉट अप्लाई करके आपने इस फंक्शन का दे देना है। फंक्शन में एक्चुअली कितने आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं, एक ही आर्गुमेंट जाएगा और वो रॉ है, तो रॉ देने का तरीका ये है क्योंकि रॉ की मूवमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है, रॉ की मूवमेंट कॉलम वाइज होती है, देखें एक कॉलम से दूसरे कॉलम, दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम, तो ये बनता है रॉ, तो रॉ की मूवमेंट होती है, तो उसको बताना भी पड़ेगा भाई ये एक्सेस वन पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये देखें अगर एक्सेस वन पे मैं अप्लाई कर दूं
क्योंकि मैंने अजम्पशन ये ली थी कि मैं रॉ पे अप्लाई करूंगा, रॉ की मूवमेंट, रॉ बनाने के लिए आपको कॉलम की तरफ मूव करना पड़ता है। अगर आपको एक पूरी रॉ चाहिए तो आपको कॉलम वाइज मूव करेंगे तो आपको रॉ मिलेगी जाके, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये मैंने अप्लाई किया, जस्ट चेक कि ये रन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा स्कोर। यस, ये स्कोर पूरा का पूरा रन हो गया पूरे के पूरे डेटा पे, यानी कि 4603 रॉज है हमारे पास, 0 से लेके 4602 बिकम सॉरी 481 रॉज है, क्योंकि हम लोगों ने फिल्टर लगाया था। अब मैं क्या करूं, एक कॉलम ऐड कर लूं अपने क्यू मूवीज में, बिल्कुल कर सकता हूं, क्यू मूवीज में एक स्कोर का कॉलम ऐड कर लेता हूं और उस पे ये जो ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया ये कर लेता हूं। ये सिंपल हमारा था डेमोग्राफिक फिल्टरिंग, ठीक है। अब ये मेरे पास डाटा आ गया, ठीक है, ये मैंने अप्लाई कर दिया और ये अप्लाई करने का, अगर मैं आपको ये वार्निंग को इग्नोर करें, वैसे वार्निंग को हम लोग ये देखें, ये सेटिंग कॉपी की वार्निंग दे रहा है जो कि मैंने लेट काम किया था यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे मैंने कॉपी किया था, अभी ऊपर जाके कहाँ किया था, यहाँ पे मैंने कॉपी किया था लेकिन उसको मैंने रन नहीं किया दोबारा से, तो ये अब जाके वार्निंग दे रहा है। तो मैं इसको वैसे साइलेंट भी करवा सकता हूँ, हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है इम्पोर्ट वार्निंग्स के नाम से होती है, वो इसको खामोश करवा सकता है, ठीक है। वार्निंग डॉट फिल्ट क्या होता है, इसकी डायरेक्टली चेक करते हैं, कभी कभी मैं भूल क्या जाते हैं, मैं याद ही नहीं कर सकता इन सब चीज़ों को, क्योंकि इसके अंदर एक ऑप्शन होता है हमारे पास फिल्टर वार्निंग का, ये वाला मेथड, अगर आप ये यूज़ करेंगे तो ये खामोश करवा देगा, ये फिर बोलेगा नहीं। इधर ही कर देते हैं, वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग, और इधर कह देता हूँ इग्नोर करवाना है आपने, अगर कोई वार्निंग आए तो आपने इग्नोर करवाना है, मुझे शो नहीं करवाना। अब मैंने इसको रन कर दिया तो ये अब इग्नोर करवा दे, अब नहीं देगा वार्निंग मुझे, देखें अब ये खामोश हो गया, क्योंकि मैंने वो उसको कहते ना ये मुंह बंद करवा देने वाली बात, वो वाली बात हो। अच्छा जी, ये मेरे पास एक और कॉलम ऐड हो गया, अब मुझे ये बताइए, अब सर ये मुंह क्यों बंद करवाया आपने, लास्ट टाइम कहा था कि इट्स बेटर कि अगर हमें पता लगे कि हम क्या गलती कर रहे हैं। नहीं, ये गलती नहीं कर रहे हम लोग, ये तो फ्यूचर वार्निंग है कि फ्यूचर में वो कह रहा है कि ये अपडेट्स आने वाली हैं, ठीक है। वार्निंग कभी एरर नहीं होता, वार्निंग अगर एरर होता तो फिर जाहिर बात है वो चलता नहीं ना, वार्निंग नहीं है ये एरर नहीं है, ये एक वार्निंग है, फ्यूचर वार्निंग है, या आपको सेटिंग की वार्निंग दे रहा होता है कि भाई इस तरह ना। अच्छा जी, आपके पास ये कॉलम बन गया, इस कॉलम के हिसाब से आपने डिसाइड करने के टॉप मूवी क्या है, तो इस कॉलम को मैं क्या करूं, मुझे टॉप स्कोर ऊपर लेकर आना है जी, शॉर्ट वैल्यूज कर सकते हैं हम लोग, मैं नीचे जाके करना चाहूंगा ताकि आप लोगों के पास ये चीजें नजर आते रहे, तो मैं नीचे जाके शॉर्ट वैल्यू कर। अच्छा, ये याद रखेगा कि हम लोग बड़ा बेसिक सा जो है फिल्टर बना रहे हैं, हमें तो कॉन्टेंट बेस्ड फिल्टरिंग करनी है जो कि अभी हम करते भी हैं, कोशिश ये है कि 1 बजे से पहले तक कर लें, और अगर नहीं हुआ तो चलें थोड़ा सा एक स्कोर है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे वैल्यूज को सॉर्ट करना है या इंडेक्स को सॉर्ट करना है, इंडेक्स ये आ रहा है 4321, या वैल्यूज को सॉर्ट करना है, सॉर्ट वैल्यूज, और वैल्यूज में कौन से कॉलम को, स्कोर के कॉलम को, और बाय डिफॉल्ट ये आपको डेटा देता है असेंडिंग में, यानी कि पहले छोटी वैल्यू आएगी फिर बड़ी, तो हमें असेंडिंग में नहीं चाहिए, हमें तो डिसेंडिंग में चाहिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पहली वैल्यू सबसे बड़ी आए, तो मैं लिख दूंगा असेंडिंग फॉल्स, भाई मुझे तो आप डेटा दें असेंडिंग में, या सॉरी डिसेंडिंग में दें, यानी कि पहले आप टॉप वैल्यू दें, फिर आपके पास वैल्यू कम होते जाए एंड सो ऑन कम होते जाए, तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट करने का तरीका ये है कि आप इसके साथ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करें, तो ये वाला डेटा सॉर्टेड होके अपडेट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वल टू लगा दिया और ये सॉर्ट हो चुका है। सॉर्ट होने के बाद सिर्फ और सिर्फ मुझे ये देखना है, मुझे कुछ चीजें देखनी है कि भाई मैं कौन कौन सी जो है क्या कहते हैं मूवीज जो है वो मेरे लिए अच्छी है। सबसे पहले तो मैं टाइटल देख लूं, जाहिर बात है मूवी तो हम लोग सर्च करते हैं टाइटल से ही ना, कहाँ गया टाइटल का नाम हमने अपडेट कर दिया था। तो मैं पूरा डाटा नहीं देखना चाह रहा, मैं ये देखना चाह रहा हूँ और स्कोर देखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई मुझे सिर्फ 4 ही चीजें दिखा दें आप मूवीज से। अच्छा, मैं टाइप क्यों करूँ, मैं पहले कॉलम से नाम ही इधर से लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि टाइप करने में मेरा टाइम भी वेस्ट होगा। तो मैं मुझे सिर्फ और सिर्फ क्यू मूवीज में इंडेक्सिंग करनी, इंडेक्सिंग का मतलब है सिर्फ मैं देखना चाह रहा हूँ, ये इंडेक्सिंग है और मैं देखना चाह रहा हूँ कुछ चीजें, तो मैं एक लिस्ट बना के दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे टाइटल दिखा दें आप,
वोट काउंट दिखा दें और स्कोर दिखा दें, ये तीन चार चीजें दिखा दें बस, पूरा डाटा नहीं देखना मुझे, क्योंकि पूरे डाटा में कोई 24 कॉलम है, मुझे 24 कॉलम नहीं देखने, और स्कोर का भी कॉलम दिखा दें। और मैं चाह रहा हूं कि मुझे टॉप 10 मूवीज दिखाएं, तो मैं हेड कर दूंगा, हेड में मैं 10 लिख दूंगा, तो मुझे टॉप 10 मूवीज दिखाएगा। तो भाई जो ट्रेंडिंग में है, जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, वो ये 10 मूवीज हैं, ये 10 मूवीज हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। लेकिन जाहिर बात है कि मैं चाहूंगा कि भाई मैं ये फाइट क्लब, मैं इस तरह की मूवीज ना देखूं, ये बैटमैन वगैरह की मूवीज ना देखूं, मेरी चॉइस में नहीं आता ये। लेकिन ट्रेंडिंग तो ये है अभी फिलहाल, ट्रेंडिंग तो ये है आपके पास अभी, ये मूवीज जो हैं ये आपके पास कुछ ट्रेंडिंग मूवीज हैं जो कि हम लोगों ने डेमोग्राफिक फिल्टरिंग से निकाल के करी हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द अच्छा पॉपुलैरिटी भी देख लेते हैं पॉपुलैरिटी में क्या आ रहा है और इस तरीके से क्या आ रहा है, ठीक है। पॉपुलैरिटी एक्चुअली उन लोगों ने क्या किया है कि उन्होंने पॉपुलैरिटी की एक नंबर वाइज कोई काउंटिंग करके कुछ उन्होंने फॉर्मूला यूज किया, तो पॉपुलैरिटी देख लेते हैं। और ऑब्वियसली वो इससे और इस हमारे डेटा में फर्क आ रहा होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो हम पॉपुलैरिटी का भी कॉलम देख लेते हैं कि अगर मैं, मेरा डेटा था डीएफ ओरिजिनल डेटा, उसमें पॉपुलैरिटी क्या, आप क्यू मूवीज में ही देख लें, क्वालिफाइंग मूवीज में देख लें कि सबसे पॉपुलर मूवीज कौन सी है, क्यू मूवीज। और क्यू मूवीज में अगर मैं इसको सॉर्ट वैल्यूज करूँ पॉपुलैरिटी के हिसाब से, पॉपुलैरिटी आई होप कि ये स्मॉल में ही लिखा हो, सॉर्ट वैल्यूज पॉपुलैरिटी और असेंडिंग फॉल्स, असेंडिंग का मतलब है कि टॉप वैल्यू पहले आए, और अगर मैं इसकी 10 वैल्यू देखूं तो इसमें कौन सी टॉप 10 है पॉपुलैरिटीज के हिसाब से, ओहो मुझे सिर्फ ये चार कॉलम देखने हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इंडेक्सिंग कर लेता इसी के आगे। देखें ये मुझे पूरा का पूरा डाटा फ्रेम रिटर्न कर रहा है, पूरा का पूरा डाटा फ्रेम रिटर्न कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ मुझे डाटा फ्रेम नहीं, मुझे सिर्फ चार कॉलम दे, तो मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ चार कॉलम ही दिखाएगा पॉपुलैरिटी के स्कोर के हिसाब से। पॉपुलैरिटी का कॉलम मैंने यहाँ पे शो नहीं किया, पॉपुलैरिटी का कॉलम भी यहाँ पे शो कर देते हैं ताकि आपको पॉपुलैरिटी नजर भी आते रहे। तो अगर आप यहाँ पे पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी के नंबर इस मूवीज के साथ है। मिनियंस आई थिंक कॉमेडी मूवी है, मिनियंस जो है वो आई थिंक कॉमेडी मूवी है, तो इसको सबसे ज्यादा लोग जो है वो पसंद कर रहे हैं पॉपुलैरिटी के हिसाब से। ये हम लोगों ने चीजें देख ली हैं, ठीक है। अब आए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम चीजों को किस तरीके से और बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले एक, या मैं ये काम करूं कि इसके अगेंस्ट जो है मैं आपको एक ग्राफ भी बना के बता दूं, टाइटल और पॉपुलैरिटी के अगेंस्ट ग्राफ। अगर आपके पास कैटेगरीज गिवन हो और उसके अगेंस्ट वैल्यू गिवन हो तो आप इधर इसको पॉप लिख देते हैं। अगर आपके पास कैटेगरीज गिवन हो और कैटेगरीज के अगेंस्ट वैल्यू गिवन हो तो आप क्या, कौन सा ग्राफ बनाना चाहेंगे? ये सारा आपकी एक बार प्लॉट बनाना चाहेंगे, या पाई प्लॉट भी मैंने शायद लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ पाई प्लॉट बनाया था, कहाँ पे बनाया था पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है। आप लोगों के साथ बनाया था पाई प्लॉट, ठीक है। तो आप, हाँ, तो मैं जैसे पॉपुलैरिटी में एक्सप्लोड भी कर दिया था, ठीक है, फिर तो सही है। तो हमारे पास एक एक्सेस में आ जाएगा टाइटल। तो मैं एक्स वैल्यू में लिख देता हूँ कि एक्स वैल्यू में पॉपुलैरिटी का जो डाटा फ्रेम है उसमें से मैंने सिर्फ टाइटल का कॉलम उठा लिया, यानी कि ये टाइटल का कॉलम एक्स एक्सिस में आ गया। और हमारे पास वाई एक्सिस में, यानी कि जो उसकी हाइट कहलाएगी, हाइट में मैं ये ले लेता हूँ, यानी कि मैंने लिख दिया पॉपुलैरिटी के, मैंने दो वैल्यूज निकालनी है बस इस डेटा से, सिंपल काम ये किया। तो ये मेरे पास ये दो वैल्यूज आ गए। plt.bar, बल्कि बार नहीं बनाते, हॉरिजॉन्टल बार बनाते हैं, ठीक है। एक होता है बार, वो वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल बार में आप बार एच लिख दें और इसको भी आप एक्स और वाई दोनों दे दें, तो ये क्या करेगा, एक्स और वाई दोनों दे दें तो ये आपको एक्स और वाई इसमें से ये आपको पूरा का पूरा ग्राफ बना के दे देगा। plt.show करेंगे तो आपको ये वर्टिकल ग्राफ बना के दे देगा। देखें ये ग्राफ बना के दे रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि मिनियंस ऊपर आए, मिनियंस यानी कि ये वाली चीज, यानी कि रिवर्स हो जाए,
ये ऊपर चले जाए यानी कि उल्टा हो जाए, इन्वर्ट हो जाए तो इन्वर्ट भी हो सकता है भाई। हमारे पास एक ऑप्शन होता है plt.getCurrentAccess, GCA का मतलब है get current access। इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है क्योंकि मुझे y एक्सेस में काम करना है तो मैं लिखूंगा इन्वर्ट y एक्सेस। तो अगर मैं लिखता हूं इन्वर्ट y एक्सेस, तो ये क्या होगा, अपसाइड डाउन हो जाएगा। अपसाइड डाउन का मतलब ये है कि ऊपर वाली चीज है नीचे, वो कहते हैं ना सर सर के, अपसाइड डाउन का क्या मतलब होता है पता है आप लोगों को, इसका क्या मतलब होता है? इन्वर्ट सर के बल खड़े हो जाना, यानी कि सर सबसे टॉप पे होता है, वो नीचे आ जाएगा, पांव आपके ऊपर की तरफ हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड अपसाइड डाउन। तो देखें इसने क्या किया, मिनियंस को ऊपर कर दिया और जो नीचे था उसको कर दिया। तो ये आप ये चीजें जो है आप करके देख सकते हैं, कलर दे सकते हैं। अच्छा इसकी अलाइनमेंट जो है ये बिल्कुल मिडल में आ रही है, ये देखें सारे जो टिक्स हैं ये मिडल में आ रहे हैं, ये टिक्स जो है इसके मिडल में आ रहे हैं। आप चाहें तो इसको राइट एंड लेफ्ट भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है अलाइन का, अलाइन का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप लोग जो है क्या कहते हैं राइट कर दें तो ये राइट की तरफ मूव हो जाएगा। राइट के मतलब ये अभी मिडल, अभी सेंटर है, अभी बाय डिफॉल्ट सेंटर होता है तो ये राइट की तरफ भी मूव हो जाएगा। क्या कह रहा है भाई, राइट होता है कि नहीं होता है, एज होता है, सॉरी एज होता है, राइट नहीं होता, एज का मतलब है बिल्कुल किनारे पे आ जाएगा। ठीक है, दो ही वैल्यूज होती है। अब देखें ये बिल्कुल किनारे पे आ रहा है, तो अगर आप वापस बैक करना चाहें तो आप सेंटर लिख दें या हटा ही दें, अगर आप हटा देंगे जब भी ये चल जाएगा, तो अब ये सेंटर में, ये टिक्स जो है वो आपके सेंटर में आ गए। ठीक है, ठीक है, ये वाले टिक्स भी सेंटर में आ रहे हैं, तो ये अलाइन कर रहा है दोनों को अलाइन कर रहा है। ठीक है, आई नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द कॉन्टेंट बेस, इसको थोड़ा सा हेडिंग में लिखते हैं, कॉन्टेंट बेस। तो हम लोगों ने सिंपल काम तो कर लिया, अब आ रहा हमारा मुश्किल काम, और हम लोगों ने एक घंटा ही सिंपल काम में लगा दिया, ये हम लोगों ने गलत कर दिया, हमें इसको थोड़ा जल्दी करना चाहिए था, कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। ठीक है, तो ये कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग किस तरह होती है भाई, देखें हमारे पास अभी भी एक्चुअल डाटा मौजूद है जिसमें हमारे पास 4000 समथिंग रॉस मौजूद है, ये हमारे पास कोई 4000 समथिंग रॉस का डाटा मौजूद है जिसके सिर्फ चार वैल्यू निकाल। अब कंटेंट बेस्ड जो आपकी फिल्टरिंग होती है, इट कुड बी ऑन द फॉर एग्जाम्पल ओवरव्यू के बेसिस पे हो सकता है कि भाई क्या कहते हैं इसमें जो इसके बारे में बताया तो लोग इससे देख के, ये होता ना कभी कभी कमेंट से देख के भी, लेकिन ये ओवरव्यू दिया हुआ है इसी मूवी वालों ने कि इसमें क्या क्या चीजें हुई है, एक आपको सिनॉप्सिस दिए हुए हैं। ठीक है, तो बल्कि हमारी एक बुक भी थी टेक्स की, जब मैं ICM में पढ़ता था उसका नाम था सिनॉप्सिस था या टेक्स सिनॉप्सिस था मुझे याद नहीं है, बस सिनॉप्सिस जरूर था। ओके, तो मुझे काफी टाइम हो गया मुझे पढ़ के, तो उसका नाम भी सिनॉप्सिस था। तो भाई दिस इज द सिनॉप्सिस, ये आपको बता रहा है कि भाई इस मूवीज के बारे में बता रहा था, दिस इज द सिनॉप्सिस एक्चुअली। ठीक है, तो आप सिनॉप्सिस ओवरव्यू देख के कर सकते हैं, या आप ये देख सकते हैं कि भाई इस मूवी में कास्ट कौन कौन सी है, हो सकता है मैं कोई खास लोगों को, खास हीरो को, खास हीरोइन को, खास सपोर्ट एक्टर्स को पसंद करता हूँ, तो कास्ट की बेसिस पे भी कॉन्टेंट बेस हो सकती है, या मैं ये समझ लूँ कि भाई क्रियू की बेसिस पे कि इसका डायरेक्टर कौन है, मैं ये समझता हूँ कि भाई फलां डायरेक्टर जो है वो अच्छे ड्रामे बनाता है, अच्छी चीजें लिखता है, तो मैं क्रियू की बेसिस पे भी कर सकता हूँ, या मैं टैगलाइन भी वही चीज है कि आपको एक वन वर्ड में बता रहा है, ओवरव्यू तो आपको मल्टीपल लाइन में बता रहा होगा, टैग लाइन आपको जो है वो एक सेंटेंस में बता देगा चीजें। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप देख के, कीवर्ड्स वगैरह देख के, जैसा कीवर्ड्स का भी मैंने देखा था, हाँ ये कीवर्ड्स देख वगैरह के भाई इसमें बता रहा है कल्चर है, क्लैश है, कोई इसके बारे में बता रहा है कि कहानी के भाई कौन सी मूवी है, किस टाइप की मूवी, तो ये सारी चीजें, या ये आप जॉनरास का कॉलम है एक्शन वगैरह, इसको करके भी आप लोग कॉन्टेंट बेस्ड फिल्टरिंग कर सकते हैं। कॉन्टेंट बेस्ड फिल्टरिंग में सिर्फ एक नहीं मल्टीपल कॉलम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे खतरनाक कॉलम है वो ओवरव्यू का कॉलम है, इसमें क्योंकि इसमें सारी इंग्लिश लिखी हुई है, और एक वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखी हुई है, पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। आए मैं आपको दिखाता हूँ पूरा पैराग्राफ ये कैसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा किसका, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट क्या किया था हम लोगों ने, मैं खुद भूल गया,
लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम किया था, और टॉपिक क्या था, टॉपिक मुझे याद दिलाएं, मैं भी जो है ना मुझे कुछ याद नहीं रहता सर। सेंटिमेंटल था ना, सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस था जिसकी बेसिस पे हम लोगों ने ये डिफाइन किया था कि भाई सेंटिमेंट एनालिसिस किस चीज का था, वो कमेंट्स का था, कमेंट्स का था ठीक है कमेंट। तो क्या ये ओवरव्यू एक तरीके से कमेंट्स नहीं है आपके पास? ये क्या ओवरव्यू, ये जो सिनॉप्सिस दिया हुआ है इस मूवी के बारे में कि भाई कोई 20th century को कुछ इस तरीके से ये चीजें डिस्पैच हुई, ये हुआ, तो ये कमेंट्स है। तो इसके लिए अब क्या इस्तेमाल होगा, स्ट्रिंग के मेथड इस्तेमाल होंगे या पूरी की पूरी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की प्रोसेसिंग यूज होगा? क्या करते थे हम लोगों ने, याद होगा मुझे याद आ रहा है कि पहले हम लोगों ने, ये तो माशाल्लाह से बड़ी क्लीन लिखी हुई है, लेकिन अगर आप वो सेकंड लास्ट फाइल पे जाएं तो वहां पे आपके पास टैग्स आ रहे थे, ब्रेकिंग का टैग आ रहा था और पता नहीं पैराग्राफ का टैग, हमने उसको रिमूव किया। उसको रिमूव करने के बाद मुझे ऐसा ऐसा याद आ रहा, सलमान मुझे गाइड करेंगे, सलमान उसके बाद क्या किया था भाई, टैग को रिमूव किया था, लिमिटाइजेशन तो हमने बाद में की थी भाई, उससे पहले हम लोगों ने किया था मेरे दोस्तों, हाँ हम लोगों ने स्पेशल करेक्टर रिमूव किए थे, और स्पेशल करेक्टर रिमूव करने के बाद स्टॉप वर्ड रिमूव किए थे, और स्टॉप वर्ड रिमूव करने के बाद हम लोगों ने स्टेमिंग की थी। स्टेमिंग का मतलब ये था कि जो हाँ जो पास्ट टेंस में लिखा हुआ था उसको भी प्रेजेंट में कर दिया था, और पता नहीं क्या क्या कहानियां की थी, तो उससे तो ये काफी हद से बेहतर है, ठीक है। लेकिन हम लोग भी यहाँ पे सारे के सारे वही काम करेंगे जो आपने पहले करते आए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, यहाँ पे भी हम लोगों ने वही काम करने, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं कंटेंट बेस्ड जो है वो मैं करूँ। अच्छा, जब आपके पास ये क्लीन हो गया था, यानी कि आपने स्टॉप वर्ड वगैरह स्टेमिंग वगैरह कर ली थी, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया था? मैं भूल रहा हूँ तो आप लोगों को तो याद होगा यकीन जी, अगर आप लोग मुझे बता देंगे तो मेरा आधा काम जल्दी से आसान हो जाएगा, तो फाइल खोल लें, सिंपल बात यह है कि जिस इसी फोल्डर में होगी ना जहाँ पे अभी आपने जुपिटर लॉन्च किया, सिंपल है, एक क्लिक करें फाइल खुल जाएगी। तो होगा ये कि मुझे नहीं समझाना पड़ेगा, आप लोगों को खुद ही मेमोरी में वो तमाम चीजें आ जाएंगी। तो क्या किया था हम लोगों ने, उसके बाद इसकी लिस्ट बनाई, वो तो लिस्ट तो बना ली थी ना, स्टॉप वर्ड वगैरह रिमूव कर लिया था, स्टेमिंग कर ली थी, स्टेमिंग के बाद हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, ज्वाइन करने के बाद दोबारा से ऐसी ही स्ट्रिंग बन गई थी। उसके बाद पूछ रहा हूँ मैं, जब हम लोगों ने लोअर भी कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये किया था कि हम लोगों ने तमाम यूनिक वर्ड्स के कॉलम बनाए थे, और कोई मैक्सिमम फीचर 1000 रखे थे, याद है आप लोगों को, 1000 से ज्यादा नहीं रखे थे हम लोगों ने, यानी कि हम लोगों ने क्या किया था कि हर यूनिक वर्ड का एक कॉलम बना लिया था, जैसे इनका एक अलग कॉलम होगा, दी का अलग, सेकंड दी तो वैसे भी स्टॉप वर्ड आता है, दी तो नहीं था, इनके अलग अलग कॉलम बना लिए थे, और उस कॉलम में 100110 कुछ किया था, याद है आप लोगों को? जी सर। उसके लिए हम लोगों ने लाइब्रेरी कौन सी यूज की थी, फ्रॉम एसके लर्न डॉट कुछ याद आ रहा है मुझे, फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट इम्पोर्ट, क्या था भाई इम्पोर्ट क्या करवाना है मैंने, काउंट वेक्टराइजर ये हम लोगों ने यूज किया था, याद है आप लोगों को? मुझे तो याद आ गया थोड़ा थोड़ा सलमान, हाँ तो वो काउंट वेक्टराइजर के थ्रू किए थे ना भाई, जी सर, काउंट वेक्टराइजर के थ्रू किए थे ना, और तो कोई तरीका नहीं था कि हम उसको कुछ कर पाए, तो हमने उसको टैग्स दिया, तो उसने टैग्स को क्या कर दिया, काउंट वेक्टराइज कर दिया, और हम लोगों ने इसको कहा था कि भाई 1000 फीचर बनाए, तो पहले हमने उसको इंस्टेंशिएट करवाया था, और इंस्टेंशिएट करवाने के बाद अभी ये चल जाए तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने जो काउंट वेक्टराइजर बनाया था वो कैसे बनाया था, भाई स्पेलिंग देख चल गया, हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे मैक्स फीचर, मैक्स फीचर, अब मैं 1000 नहीं लिख रहा, 100 लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह किया था। जब मैंने ये कर दिया था तो फिर मैंने सीवी डॉट फिट ट्रांसफॉर्म किया था, वैसे तो मैंने फंक्शन बना के किया था, अभी मैं फंक्शन बना के नहीं कर रहा, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के अंदर, फिट ट्रांसफॉर्म के अंदर मैंने टेक्स्ट दे दिया था, मिसाल के तौर पर यही उठा के दे देता हूँ मैं टेक्स्ट,
पूरा का पूरा यही टैग इसके अंदर दे देता हूँ। तो ये क्या कर देगा, इसको फिट कर देगा, ठीक है, इसको फिट कर देगा, और इसके अंदर से मैं ये डॉट हटा देता हूँ, ये सारे स्टॉप वर्ड हैं, हटा देता हूँ। जब ये फिट हो जाएगा तो उसके बाद क्या कहलाएगा ये, अगर ये फिट हो जाता है तो उसके बाद क्या करते थे हम लोग, क्या कह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म, क्या कह रहा है अब ये, iterable और expecting string object receive, तो भाई स्ट्रिंग ही तो ऑब्जेक्ट दे रहे हैं हम लोग, और क्या दे रहे हैं हम आपको, अच्छा ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा डाटा आप मुझे दे दें, तो भाई चले आपको पूरा डाटा दे देते हैं, आप सीरीज में ले लें, दो वैल्यूज दे देते हैं इसको भी, ठीक है, इसको भी दो वैल्यूज दे देते हैं, तो ये देखें ये फिट हो गया। अब मुझे नहीं पता कि दो वैल्यूज में कितने वर्ड्स थे, लेकिन मैंने इसका मैक्सिमम वर्ड्स कितने का है, 100। अगर मैं इसका एरे चेक करूं टू एरे करके, तो ये मुझे वही 0101 करके सिर्फ दो ही रॉज बना के देगा, ये पहली रॉ है, ये दूसरी रॉ है, क्योंकि मैंने इसको दिया ही दो रॉज थी। और टोटल कॉलम्स कितने हर रॉ में, कितने कॉलम्स होंगे इसमें भी और इसमें भी, बताइए कितने कॉलम्स है पहले उसमें देख लेते ना, इसमें क्या मुश्किल है, पहले का इंडेक्स होता है 0 पे जाके आप देखें 0 की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ चेक करें, 100 तो नहीं होगी मेरे ख्याल में, शायद 49 है, और दूसरे की चेक करें वो कितनी है, यानी कि दूसरी रॉ का मतलब है इसकी भी 49 है। तो जाहिर बात है मैंने आपको ये बातें बताई थी पहले भी कि अगर आप मैक्सिमम फीचर 100 दे रहे हैं, 1000 दे रहे हैं, लेकिन 1000 से कम वैल्यू है तो वो उतने वैल्यू को बनाएगा, लेकिन 1000 से ज्यादा का नहीं बना। क्या ये लास्ट टाइम हम लोगों ने काम किया था, नहीं किया था जी, बताइए। और मैं इसमें से फीचर भी निकाल लेता हूँ, फीचर के नाम हमें नजर नहीं आ रहे, तो फीचर के नाम हमें नजर नहीं आ रहे कि इसने कौन कौन से फीचर बनाए, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, भाई क्या ऑप्शन होता है इसमें हमारे पास, सीवी के अंदर ऑप्शन होता है गेट फीचर्स का, मैं देख लेता हूँ क्योंकि मैं याद तो रखता नहीं हूँ, बस मुझे ये टेक्निक्स बताएंगे कैसे चीजें देखी जाती हैं, गेट फीचर्स नेम, ये वाला, ये मुझे याद है कि भाई काम किस तरह करना है, दैट्स ऑल। आप लोग ही मुझे अच्छा डाटा साइंटिस्ट समझते हैं, मैं खुद अपने आप को अच्छा डाटा साइंटिस्ट नहीं समझता, क्योंकि जिस दिन मैंने समझना शुरू कर दिया कि मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, तो फिर अल्लाह ही हाफिज हो जाएगा मेरा उस दिन। अच्छा मैक्सिमम फीचर्स, क्या इसको देखना पड़ेगा कि हम लोग गेट फीचर्स का नेम अब कैसे निकाल सकते हैं, इसकी भी डायरेक्टली मुझे देखनी पड़ेगी, अब मुझे इसमें से नाम कैसे निकालूंगा भाई, चलें यार टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, उसी तरह टू टू लिस्ट करके देखें जिस तरह हमने वो निकाले थे काउंटर वेक्टर्स, जी 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 जी, वरना मैं ज़रूर करके देखता, टू एरे का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, ये कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, हम लोग देख सकते हैं इसको भी जाके, मैं काम करता हूँ इसको जो है लिस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, और देखते हैं कि क्या ये लिस्ट में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता, लिस्ट में तो ये कन्वर्ट नहीं हो रहा, एनीवे इसकी चीज़ें मैं देख लूँगा कि ये किस तरीके से, या प्रिंट करवा के देखते हैं, तो प्रिंट करवा, हाँ दानियाल सलमान जरा यार गूगल पे सर्च करो और मुझे बताओ कि ये हम लोग कैसे निकाल, सर मैं वो भी सर्च करता हूँ, हाँ सर्च करके मुझे बताओ, आप ये लिखो क्या कहते हैं सीवी, क्या कहते हैं इसी के आगे लिख दो आपको मिल जाएगा काउंटर वेक्टराइजर डॉट गेट फीचर्स, तो वो आपको गेट फीचर्स का तरीका पूरा बता देगा, वरना यहाँ पे डिस्प्ले का कहीं ना कहीं ऑप्शन आता है जो कि मुझे अभी दिमाग में आ नहीं रहा, यहाँ पे भी देख लेते हैं एग्जांपल दी हुई होगी, चलें यार फीचर नेम के बाद आउट मेंशन करें, क्या करूं, गेट फीचर नेम आउट, आगे आउट कर दूं, हाँ डॉट आउट और ब्रैकेट ओपन क्लोज डॉट अंडरस्कोर के साथ, अंडरस्कोर के साथ, अंडरस्कोर डॉट आउट, ये वाला जी, इट्स नॉट वर्किंग हियर, चलें बहरहाल आप लोग देखें ये, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, हम अपना कंटेंट पूरा करें फिर बात चलें। अच्छा जी अगर आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें देखी हो, तो इसमें आप देखेंगे कि मिसाल के तौर पे
हमारी पहली वाली रॉ क्या आती, मिसाल के तौर पे इसमें इन आ रहा है, इनको एक नंबर मिल गया, डी को एक नंबर मिल गया, सेकंड को एक नंबर मिल गया, कुछ जो जो भी जिस तरीके से कॉलम कॉलम के नाम आ रहे होंगे वो उसने नंबर दे दिए। लेकिन सबसे ज्यादा काउंट वेक्टराइजर में एक प्रॉब्लम ये है कि भाई ये अच्छा देखें, हम लोग उस दिन सेंटीमेंट एनालिसिस तो कर रहे थे, लेकिन ये देख नहीं रहा होता कि भाई किसमें क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दा को भी अभी तो मैंने रिमूव नहीं किया स्टॉप वर्ड, तो दा को भी वन ही वोट दे रहा है, हालांकि दा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना सिविलाइजेशन हो सकता है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो ये सिमेंटिक नहीं होता, सिमेंटिक का मतलब ये है कि ये देख नहीं रहा होता कि भाई किस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताएं इस चीज में किस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। आई एम तो कभी बोलना नहीं चाहिए, यू आर इंटेलिजेंट, आई एम नहीं बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए, यू आर इंटेलिजेंट, वॉट इज इंपॉर्टेंट हेयर, जो सबसे ज्यादा पावरफुल, जो जो सबसे ज्यादा इसमें वेटेज रखने वाली चीज है वो क्या हो सकती है इस सेंटेंस में? यू आर इंटेलिजेंट ठीक है, यू आर इंटेलिजेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। लेकिन जब आप इसके वेक्टराइज ऑपरेशन जब ये आप करेंगे, क्या कहते हैं काउंट वेक्टराइजर करेंगे, तो इसको भी ये वन वोट देगा, इसको भी वन देगा, इसको भी वन देगा, तो यानी कि इसने सबको ही बराबर कर दिया, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। सो कभी हाँ बोले, गेट सपोर्ट करके यहाँ पे शो हो रहा है कि आप फीचर नेम निकाल सकते हैं। कैसे गेट, इसी के आगे फीचर के फीचर नेम्स के आगे डॉट गेट सपोर्ट, डॉट गेट अंडर गेट सपोर्ट अंडर स्कोर सपोर्ट जी सपोर्ट और जी, सपोर्ट के आगे कुछ नहीं, कॉलन कॉलन स्क्वायर ब्रैकेट्स, बस कॉलन स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाले राउंड सर सॉरी राउंड 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 ब्रैकेट। भाई जरा देख लीजिएगा सारी चीजें, मैं वरना मैं खुद ही देख लूंगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं देख लूंगा, आप लोग देख रहे हैं तो चले मैं इस पे करते जा रहा हूँ, देखते रहिएगा। तो भाई कहने का मतलब ये है कि यू आर इंटेलिजेंट जो है मेरे दोस्तों, इसमें इंटेलिजेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, बट जब आप काउंट वेक्टराइजर के थ्रू करते हैं ना, जब आप काउंट वेक्टराइजर के थ्रू करते हैं तो वो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा होता है, जो जो वैल्यू होती है इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा होता है। हमारे पास इसका एक और भी तरीका है इसी काम का, जिसमें ये इम्पॉर्टेंट उसी को दें जो के लेस कॉमन वर्ड हो। जाहिर बात है आप देख रहे होंगे यू तो बहुत मरतबा आएगा डाटा में, यू तो बहुत मरतबा आएगा डाटा में, यू कितनी मरतबा आएगा, बहुत मरतबा डाटा आएगा। गेट नेम्स फीचर नेम्स वेक्टराइजर गेट फीचर नेम, ये अच्छा फीचर नेम आगे क्या लिखा भाई, आउट, अच्छा मैं भी कर देता हूँ ये फिट ट्रांसफॉर्म कॉर्पस, अच्छा कॉर्पस कर दिया आपने, मैंने डेटा कर दिया, तो मुझे क्यों नहीं निकल रहा था भाई, एक मिनट, वेक्टराइजर काउंट वेक्टराइजर फिट ट्रांसफॉर्म, नाराज है इसका मतलब ना मुझे मुझसे सर। जी जी बोले भाई सर, ये उससे रन हो गया, ये गेट सपोर्ट हटा दें तो क्या करूं मैं सर, ये गेट सपोर्ट हटा के सीवी डॉट काम सर इसी से रन हो रहा है, राउंड ब्रैकेट लगा था, राउंड ब्रैकेट लगा दूं ना बस, उसने ये मिस्टेक थी मेरी, ठीक है ये मिस्टेक थी, चल है देखे ना छोटी छोटी गलतियां जो है वो, ये हमारे फीचर के नेम भी आ गए ठीक है। एनी वे थैंक यू सलमान, देखें दिस इज कॉल्ड द रिसर्च, सिंपल बात ये है रिसर्च, कोई भी रट्टा नहीं मार सकता इन चीजों का। अच्छा एनीवे ये तो देखें इसने कितने फीचर्स बनाए, इसने कोई 49 फीचर्स बनाए ठीक है। जाहिर बात है मैंने इसको सिर्फ दो रॉल्स दी थी, एक तो ये दो रॉल्स किस तरह दी थी वो दिखा भी देता हूँ आपको, मैंने इसको सिर्फ दो रॉल्स दी थी। देखें ये सारा गेम ही प्ले अराउंड का, आप देखें आपको आधी रॉ मिस नजर आ रही है, वो आप लोग कर लीजिएगा, बल्कि मैं आपको करके भी बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है भाई, क्या होता है पी डॉट ऑप्शन डॉट डिस्प्ले डॉट मैक्स विद विद विद, नहीं ये रॉ नहीं है ना, ये विद है रॉ तो ये होती है, रॉ तो ये होती है, आप इसमें देख लें इसको आप नन कर दें, तो आई होप ये कहाँ पे गलती कॉल विद है, कॉल विद कॉल विद है, रॉ विद है सर, कॉल विद मैक्स अंडरस्कोर कॉल विद जी सर, ओके थैंक यू। ये आप लोग स्मार्ट होते जा रहे हैं, देख लें आप लोग माशाल्लाह से, यही जज्बा चाहिए मुझे।
हाँ वाओ, देखें पूरी की पूरी लिखी आ रही है, ये दो सेंटेंस के इसने कुछ 49 फीचर बनाए, जितनी यूनिक वैल्यूज होंगी इस अब दा जो दो मरतबा अभी कहीं आ रहा होगा तो उसने एक ही कॉलम बनाया होगा उसका। तो भाई देखें ये सारा काम उसने खुद ही करके दिया, ये तमाम चीजें उन दो लाइंस में मौजूद हैं आपके पास। एनीवे चले ये मेरा टॉपिक नहीं है, जो मेरा टॉपिक है वो ये कि इधर नहीं होता, इधर ये जो है ये वर्ड्स को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा होता, तो हमारे पास एक और चीज होती है जो कि वर्ड्स को इम्पोर्टेंस देती है, उसको हम कहते हैं TFID। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, TFIDF वेक्टराइजर क्या होता है, वेक्टराइजर TFID वेक्टराइजर क्या होता है, TFID वेक्टर, ये दो चीजें एक्चुअली, TF अलग है और IDF अलग है, TF अलग है और IDF अलग है। TF का मतलब होता है ट्रम्प फ्रिक्वेंसी, जाके सर्च भी करिएगा आप लोग। अब माशाल्लाह से हमारे जो पुराने क्या नहीं हो रहा, आपने गलत नाम लिखा होगा, TF IDF वेक्टराइजर, ठीक है, बस काउंट की जगह पे आपने TFIDF लिखना है, बस TFIDF लिखना है, दैट्स ऑल, ठीक है, टी कैपिटल है। तो TF का मतलब है ट्रम्प फ्रीक्वेंसी और IDF का मतलब है इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, या डॉक्यूमेंट्स कह लें आप, डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजों से बनके बनता है मेरे दोस्तों। ट्रम्प फ्रीक्वेंसी ये होती है, मिसाल के तौर पे इसमें पहले मुझे बताएं ट्रम्प फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बता रहा है, इसमें यू कितनी मरतबा आ रहा है, यू कितनी मरतबा आ रहा है, वन टाइम। तो ट्रम्प फ्रीक्वेंसी यू की बनेगी कुछ ऐसे वन, और टोटल आपके पास अल्फा वर्ड्स कितने, इधर वर्ड्स कितने टोटल, इधर टोटल वर्ड्स कितने हैं, थ्री वर्ड्स हैं। तो इसकी पहली रॉ में इसकी जो ट्रम्प फ्रीक्वेंसी बनेगी, इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली ट्रम्प फ्रीक्वेंसी को हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ये पूरी साइंस है, आप लोग समझिएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये कुछ इस तरह से बनता है। और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिसाल के तौर पे इनवर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे आपके पास टोटल रॉस कितनी है, कितनी रॉस है अभी, एक मिनट थोड़ा चेंज कर देते ना, अब बताएं कितनी रॉस है आपके पास, टू रॉस है। तो इनवर्स फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रॉस डिवाइड बाय, और इसमें अभी सिर्फ हम लोग यू की बात कर रहे हैं, यू की बात कर रहे हैं, तो यू कितनी मरतबा आ रहा है दोनों रॉ में, कितनी मरतबा आ रहा है, वन टाइम आ रहा है। और इसका हम लोग लॉग ले लेते हैं और ये चीज 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/1, तो यू की वैल्यू आ जाती है। अभी देखें यू की वैल्यू कुछ और आ रही होगी, इधर पता नहीं यू था नहीं था, इधर यू की वैल्यू 1010 ही आ रही होगी ना, उससे ज्यादा तो आ नहीं सकती। तो ट्रम्प फ्रीक्वेंसी क्या करता है, वो इंपॉर्टेंस देता है। फिर ट्रम्प फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होगा, फिर होगा TF मल्टीप्लाई बाय IDF, दिस इज द फॉर्मूला। ये मैंने आपको यू के लिए बताया, सिर्फ यू के लिए बताया है कि पहले आप ट्रम्प फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कि पहली रॉ में यू कितनी मरतबा, अगर सिर्फ यू की बात करें, इसी तरह आप आर की भी निकालेंगे, इसी तरह आप इंटेलिजेंट की भी निकालेंगे, फिर सिमिलरली सेकंड रॉ के लिए भी ये होगा। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती जाएगी, उसका लॉग निकलता जाएगा, वो दोनों मल्टीप्लाई होते जाएंगे, तो फिर ये यू की जो है TF IDF निकल के आता जाएगा, तो कोई ना कोई नंबर आएगा फ्रैक्शन में, तो वो फ्रैक्शन बता रहा होता है कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ये करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये करने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको मैथ समझा रहा हूँ, ये करने की जरूरत नहीं है भाई। पूरे डेटा पे कौन अप्लाई करेगा, अल्लाह ताला भला करे उनका जिन्होंने ये लाइब्रेरी बना दी और हमें सिर्फ ये कहा गया भाई छोटी सी मैथ समझ लो, बस मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एक चीज तो बनी बनाई है। मैंने अगर आपको ये समझा दिया तो आप ये समझ जाएंगे ये पूरे के पूरे डाटा पे अप्लाई किस तरह होता है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रम्प फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो समझे अगर मैंने यू के लिए निकाला है तो यू के लिए कुछ ऐसे निकल के आया होगा, यू के लिए जो वैल्यू निकल के आई होगी वो निकल के आई होगी 1/3 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 2/1। इसका मतलब है यू का जो पहली रॉ में जो यू की जो वैल्यू बन के आएगी कुछ फ्रैक्शन में आएगी, और लॉग भी लिखने की जरूरत नहीं, हमारे पास नंपाई की एक लाइब्रेरी है, इसका भी मैं आंसर लिख के बता रहा हूं, नंपाई की एक लाइब्रेरी, उसमें लॉग भी निकल जाता है भाई। नंपाई हम लोगों ने पहले भी इम्पोर्ट करवाया शायद, अगर मैं लॉग लू ना NP.log ऑफ, ये क्या आ रहा है 2/1 का मतलब है 2 ही होगा ना, 2/1 का मतलब 2,
तो ये निकाल के दे रहा है, पीछे सारी चीजें मौजूद है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ फाइनली कि यू की वैल्यू कुछ आएगी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 0.693 एंड फाइनली यू की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखें आपका आंसर उसमें नहीं आ रहा, मैं नीचे करके बता दें, इसको कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। 1.99 समथिंग, 1 कितना आ रहा है भाई, पहले कर ही लेते हैं यार, 0.9 समथिंग आ रहा है। तो ये देखें, ये कुछ इस तरीके से वैल्यू आ रही होती है 0.233 समथिंग 203, तो वो वेटेज दे रहा होता है, हर किसी को एक वजन दे रहा होता है। तो ये फॉर्मूला है ट्रम फ्रीक्वेंसी इनवर्स डेट इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का, लेकिन ये सब कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, ये सारी चीजें हो जाती हैं, बस आप लोगों को छोटी सी मैथ समझानी थी। और यही तो रिसर्च है, मैंने जब आपको पीसीए समझाया था प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, तो मैं वहां पे भी एक छोटी सी मैथ समझाना चाह रहा था, मैं जब के नियरेस्ट नेबर समझा रहा था वहां पे भी मैं आपको मैथ समझाना चाह रहा था, लेकिन मेरा कभी भी ये इरादा नहीं था कि ये मैथ आप खुद से परफॉर्म करें, लेकिन पता होना तो चाहिए कम से कम। तो एनीवे खैर मुझे तो कुछ नहीं करना, मैं पहले अपने जो है सीधा सीधा, अब मैं ये वाला यूज नहीं कर रहा ज्यादातर, या तो मैं वर्ड टू वेक्टर यूज करता हूँ, एक और चीज भी होती है यार, उसको बाद में जिक्र करेंगे, वर्ड टू वेक्टर भी होता है, ठीक है, वर्ड टू वेक्टर भी होता है, ये भी आप देख लीजिएगा, ये भी मिल जाएगा, या मैं ट्रम फ्रिक्वेंसी, बल्कि मैं तीनों यूज करता हूँ, मैं देखता हूँ मॉडल की परफॉर्मेंस किससे आ रही है, लेकिन ज्यादातर ऑब्वियसली फिर ये वाली चीज मुझे ज्यादा मुतासर करती है। अभी इससे भी हो जाएगा काम, इससे भी हो जाएगा काम, इससे भी हो जाएगा, आए इसको इंस्टेंशिएट करवाते हैं, पहले मैं ये देख लूं क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, ये इसमें पूरा डाटा मुकम्मल है भी कि नहीं, कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है इसमें, इस नल करके मैं चेक कर सकता हूं कि इसमें मिसिंग वैल्यूज हैं कि नहीं है। इस नल का आंसर ट्रू फॉल्स में आएगा, अगर मैंने इसको सम किया और कहीं पे कोई वैल्यू आई तो इसका मतलब क्या है, वहां पे ट्रू लिखा होगा, ट्रू को जमा, ट्रू जमा हो सकता है, इसका मतलब है यहाँ पे तीन वैल्यू मिस है इस डेटा में, मुझे नहीं पता ट्रू तीन वैल्यू कहाँ पे मिस है, क्योंकि मैंने लिखा इस सीरीज डॉट इज नल, इज नल का मतलब है आंसर ट्रू फॉल्स में आएगा, उस ट्रू फॉल्स को आप जमा कर सकते हैं, जहां जहां ट्रू आ रहा होगा वहां का मतलब है वहां वहां पे वैल्यू मिस होगी, और तीन वैल्यू मिस है। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि इसको फिल करूं, तो इसको सिंपली हम लोग फिल कर देते हैं फिल एन ए करके, फिल एन ए में अभी मैं इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देता हूं ताकि यहां पे कुछ एम्प्टी ना, और इन प्लेस टू कर देता हूं ताकि मेरा डाटा जो है वो मुकम्मल हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रम फ्रीक्वेंसी इसको भी मैनेज कर लेगा, ट्रम फ्रीक्वेंसी का जो डाटा है वो इसको भी मैनेज कर लेगा, तो मुझे इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इसको कर दिया सीधा सीधा, मैं ट्रम फ्रीक्वेंसी को कॉल करूंगा, फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, यू हैव अ यूट्यूब, वहां पे भी आप जाके सर्च करें, रिसर्च करें, पढ़ें, मेहनत करें, तो आपको डेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, डेटा साइंस कभी आपको मायूस नहीं करेगी। हाँ ये है कि आप डेटा साइंस को मायूस जरूर कर सकते हैं। अच्छा अब मैंने अपने उसमें तो स्टॉप वर्ड तो यूज किए नहीं, स्टॉप वर्ड तो निकाले नहीं, स्टॉप वर्ड मैंने कैसे निकाले थे, फ्रॉम एनएलटीके डॉट कॉर्पस डाउनलोड, क्या डाउनलोड कह रहा हूँ, स्टॉप डाउनलोड नहीं था, इम्पोर्ट स्टॉप वर्ड था ना, इम्पोर्ट स्टॉप वर्ड, कोड विद हैरी, आप सब देख लें भाई, सलमान साहब कह रहे हैं कि कोड विद हैरी देखें, हैरी साहब को देखें, हैरी पॉटर है ये, कौन है, हैरी को देखें। तो दैट इज ग्रेट भाई, सलमान साहब मेरे पास पिछले, सलमान मेरे साथ कितने साल से हो भाई, डेढ़ दो साल हो गए, कितने साल हो गए, अच्छा जी सलमान कितना टाइम हो गया आपको मेरे साथ, सर डेढ़ साल तो हो गए, डेढ़ साल हो गया सलमान को, और माशाल्लाह सलमान भी अब रिसर्च की तरफ आ गए, उनको भी पता चल गया है कि रिसर्च करनी कैसी है, तो ही इज विद मी फॉर लास्ट डेढ़ साल, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज्यादा इंप्रूव भी हो रहे हैं, ठीक है, जिस तरह ये चीजें भी बताते अच्छा लगता। अच्छा मेरे दोस्त ने स्टॉप वर्ड तो हमने अप्लाई नहीं किया था, ना हमने स्टॉप वर्ड अप्लाई किया, ना हमने स्टेमिंग अप्लाई करी, ना हमने कुछ अप्लाई किया, अब जाहिर बात है इतना टाइम नहीं है कि हम लोग करें, हमारे पास इसी लाइब्रेरी में क्या काउंट वेक्टराइजर में भी स्टॉप वर्ड का ऑप्शन मौजूद होता है, वो तो मैंने जानबूझ के, आपको पता है ना हम तो टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं तो टाइम वेस्ट करने के लिए आपको स्टॉप वर्ड करवाया था, जोक अपार्ट स्टॉप वर्ड को सीखना बहुत जरूरी था, इस वजह से करवाया था, ठीक है, कहीं ये ना हो आप लोग आईसीएम में मेरी शिकायतें करते फिरे कि सर तो कहते कि हम टाइम वेस्ट करने के लिए करवा रहे थे, ठीक है। स्टॉप वर्ड्स, यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है,
आप इसको दे दें, ये खुद ही स्टॉप वर्ड को रिमूव कर देगा भाई, इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन समझाना पढ़ाना बहुत जरूरी है। स्टॉप वर्ड किसके? उर्दू के, इंग्लिश के, मैथ्स के, फिजिक्स के, किसके? मैथ्स एंड फिजिक्स भी उर्दू में हो सकती है वैसे जी, इंग्लिश के। तो आपको बॉदर होने की जरूरत नहीं है। वो जो काम आप लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, वो प्लस दिस, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मेरी उम्मीद ये है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, कोई मुश्किल ना आए आप लोगों के ऊपर। जहां जहां आप लोगों को मुश्किल आए वहां वहां पे आप लोगों ने मुझे बताते रहना है कि भाई यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब ये आपके पास हो जाएगा। अब सिंपली आपने वही काटना है जैसे आप लोगों ने काउंट में किया था। काउंट में आप लोगों ने क्या किया था? फिट ट्रांसफॉर्म क्या किया था? ये देखें, काउंट में भी आपने फिट ट्रांसफॉर्म किया था, यहाँ पे भी हम लोग फिट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन पूरे डाटा को इसमें अब मैं लिखूंगा टी एफ, सी भी नहीं लिखूंगा बल्कि मैं लिखूंगा टी एफ और इसमें फिट ट्रांसफॉर्म, पूरे के पूरे डाटा को मैं फिट ट्रांसफॉर्म करके ये मुझे क्या रिटर्न करेगा भाई? ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? एक एरे रिटर्न करेगा ना, ऐसे ही रिटर्न करेगा, नहीं करेगा एरे, यानी कि एक मैट्रिक्स, एरे भी छोड़ दे, मैट्रिक्स रिटर्न करेगा। मैट्रिक्स का मतलब है रोज एंड कॉलम। तो ये आपको एक मैट्रिक्स रिटर्न कर देगा, आप ये समझ लें, सिंपल बात ये है, मैट्रिक्स रिटर्न करेगा। मैट्रिक्स का आप शेप देख लें, पता नहीं कितने रॉस, तो हमारे पास टोटल रॉस कितनी है इसके अंदर, टोटल रॉस कितनी है हमारे पास? 4803। लेकिन कॉलम कितने बनाए ये मुझे भी नहीं पता, कॉलम तो वो खुद ही बनाता है ना, नंबर ऑफ उसके पास। तो इसका शेप चेक कर लें, तकरीबन 21,000 इसने कॉलम बनाए उन यूनिक वर्ड्स के। अगर आपको इसको चेक भी करना है तो आप इसमें से टू एरे करके, जिसना पहले टू एरे किया था, यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अभी तो कहीं कहीं जीरो नजर आ रहा होगा, लेकिन बीच में आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी नजर आ रही होंगी। मिसाल के तौर पे मैं पहली वैल्यू को उठाता हूँ इंडेक्स जीरो पे, और अभी भी आपको जाहिर बात है बीच में एलिप्सिस नजर आ रहे हैं। और मैं एक काम करते हैं, इसको सम कर लेते हैं। सम करेंगे तो हमारा आंसर कभी भी जो है हमारा आंसर होल नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इसका आंसर फ्रैक्शन में आता है। मैंने कहा आपको बताया ना इसका आंसर फ्रैक्शन में आता है। अगर मैं इसको सम कर लूँ तो देखिएगा कि 3.87 आ रहा है। देखें, जिस तरह मैंने आपको वैल्यू निकाल के बताई थी तो इसी तरीके से आ रही है, लेकिन ये तो पूरी रॉ की आ रही है, यानी कि उस रॉ में पता नहीं कितने कॉलम्स की वैल्यू हो सकती है। एक वैल्यू जो है वो भी फ्रैक्शन में ही आ रही होगी, जब इसका सम भी फ्रैक्शन में आ रहा है। दिस इज जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल कि हाँ भाई फ्रैक्शन में ही आंसर आता है। लेकिन अगर आप इसका करते हैं आंसर, अगर आप इस चीज को सम करते तो आपका आंसर किस में आता? होल नंबर में आता, फ्रैक्शन में आता, बताइए? होल नंबर में। तो यहां से भी पता चल रहा है कि भाई इधर जो वैल्यूज आती हैं वो कुछ ऐसे ही आती हैं जो मैंने फॉर्मूला आप लोगों को ऊपर करके बताया है भाई। दिस इज समथिंग वी हैव डन, यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब क्या कर सकते हैं भाई। ये हमारे पास डेटा तो आ गया। अब आप इसमें से भी फीचर्स निकाल सकते हैं जो अभी आप लोगों ने किया था। फीचर देखने हो भाई, 20,000 कुछ फीचर होंगे। क्या था गेट, क्या था भाई, क्या लिखा था अभी? गेट नेम्स, गेट फीचर्स नेम, इधर से भी आप निकाल लें गेट फीचर्स नेम। तो ये सारे फीचर्स के 20,000 नेम दे देगा। इसको क्या हो गया भाई, इसकी डायरेक्टरी में चेक कर लेंगे, इसके लिए फीचर निकालने के लिए क्या नाम लिखा हुआ, वही तरीका अपना के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें भी क्या है। अच्छा, एनीवे, अब हमारे पास आ गए फीचर्स। फीचर्स किस तरीके से आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। फीचर्स आपके पास किस तरीके से आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, सेंटेंस पहला रिव्यू होगा, पहला रिव्यू वन होगा, पहली रॉ होगी। उसके पास कुछ उसके जो कॉलम होंगे वो होंगे 1 से लेकर 20978 तक। इसी तरीके से दूसरी रॉ होगी, उसके भी होंगे आपके पास 1 से लेके कहीं पे, जहाँ पे जीरो आ रहा होगा इसका मतलब है वहाँ पे वो वैल्यू मिस है। मिस का मतलब है वहाँ पे वो वर्ड इस्तेमाल ही नहीं हुआ। कुछ इस तरीके से आपके पास ये तमाम चीज़ें जो है निकल के आ रही हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि ये तो आपके पास वेक्टराइज होकर डेटा आ गया। अब जाहिर बात है हम लोग प्रिडिक्शन तो कर नहीं रहे, हम लोग तो ये चेक करना चाह रहे हैं कि देखें, ये पहली मूवी का डेटा है, ये दूसरी मूवी का डेटा है, और सिमिलरली तीसरी का, चौथी का, और इसी तरीके से हमारे पास कोई 4800 समथिंग है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ,
अगर मुझे कौन रिव्यू की बेसिस पे देखना है कि कौन सी मूवी एक जैसी है तो मैं कैसे देख सकता हूँ, मैं कैसे देख सकता हूँ? मिसाल के तौर पे ये तो बहुत बड़ा एरे है, ये तो बहुत बड़ा एरे है। देखें ये पहली मूवी कौन सी हमारी, वैसे बाय द वे पहली मूवी कौन सी हमारी, ये इसका टाइटल ये है अवतार। आप समझेंगे इसका एरे कुछ ऐसे बना होगा, आई डोंट नो बस मैं एक बात बता रहा हूँ अवतार का, क्योंकि ये पहली है तो इसका इसके अंदर तकरीबन जो है 20,978 जो है इसके पास पूरा का पूरा एरे होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होंगी। अभी मैं राउंड में लिख देता हूँ, वैसे राउंड में नहीं होंगी, मैं वैसे लिख रहा हूँ, 3 होगा 2 होगा 1 होगा, ये अवतार की वैल्यू होगी। लेकिन ये मैंने 3 लिखी है, आप लोग एज्यूम करें ये 20,000 समथिंग है, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरी मूवी है उसका भी कुछ ना कुछ बना होगा। दूसरी मूवी कौन सी है, आप ये छोटा सा ले लें भाई, जॉन कार्टर ले लें, चौथी रॉ में जॉन कार्टर का जो कुछ बना होगा वो भी कुछ ना कुछ तो इसका भी एरे बना होगा। इसका बना होगा 2, 1, 3 इस तरह करके समझ लें आप, ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ ना कुछ तो बना ही होगा ना, मुझे नहीं पता क्या बना होगा। मैं अगर ये देखना चाहता हूं कि अवतार और जॉन कार्टर जो है वो कितने सिमिलैरिटी रखते हैं, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? हम लोगों ने KNN में यूक्लिडियन डिस्टेंस पढ़ा था और मैनहट्टन डिस्टेंस पढ़ा था, याद है आप लोगों को? यूक्लिडियन डिस्टेंस या मैनहट्टन डिस्टेंस पढ़ा था आप लोगों को, याद है? याद है ना? तो या तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, लेकिन ये तो सिर्फ एक मूवी का एक मूवी के साथ डिफरेंस है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पहले एक जगह पे डेटा सेट उठा के रखना पड़ेगा, फिर हर मूवी को कंपेयर करवाना पड़ेगा वन बाय वन, और वो भी KNN करता है, और यहाँ पे तो हम लोग मॉडलिंग कर नहीं रहे। मैंने आपको पहले बताया था हमारा हर टॉपिक जो है वो AI पे बेस नहीं करेगा, हमारे टॉपिक जो है जरूरत के हिसाब से होंगे। तो भाई अगर मैं यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना शुरू कर दूं आप, क्योंकि मैं मॉडलिंग तो कर नहीं रहा, मतलब यानी कि KNN तो यूज कर नहीं रहा, KNN तो ऑटोमेटिकली खुद ही करके दे देता है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करूं। अभी तो ये सिर्फ 2 रॉज हैं हमारे पास, एक्चुअली में 4,803 रॉज हैं, यानी कि मुझे जॉन कार्टर का हर रॉ के साथ डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और उसमें से देखना पड़ेगा सबसे क्लोज डिस्टेंस किस तरह है। इसका अपने साथ डिस्टेंस कितना आएगा, इसका खुद के साथ जीरो डिस्टेंस आएगा। जीरो का मतलब है 100% सिमिलैरिटी है, जीरो का मतलब है 100% सिमिलैरिटी है, जीरो का क्या मतलब है 100% सिमिलैरिटी है। तो भाई अब हम क्या करें, ये तो हम लोग कर नहीं सकते वन बाय वन। इसके अलावा भी हमारे पास एक और सिमिलैरिटी का फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी। कोसाइन सिमिलैरिटी क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, मैथ्स तो मैं छोटी सी ही बताऊंगा क्योंकि हर चीज का ऑप्शन अवेलेबल है। कोसाइन सिमिलैरिटी क्या करता है कि समझें कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ही है ना, रॉज एंड कॉलम का मतलब एक मैट्रिक्स है, यानी कि इसका नाम है एक्स। अगर मैं एक्स को एक्स से ही मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, ये तो आपका रॉ हो गया। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आती है आप लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आती है, पहले भी आपको बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट के लिए आप देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम जो है वो दूसरे वाले के नंबर ऑफ रॉस के बराबर हो, किस तरह, अब देखिए मैं इसको इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं, यानी कि 3, 2, 1 जो है आप कुछ ऐसे आएंगे, मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया 2, अभी सही करते हैं इसको 1, इसको ट्रांसपोज कर दिया, कॉमा लगा देते हैं, और फाइनली मैंने और सिमिलरली और इसको भी ट्रांसपोज कर देते हैं, टू, ऐसे ही है, आपको बता रहा हूं करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूं। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास अगर ये डाटा है, अब इसको मैं अपनी ओरिजिनल जगह पर रख देते हैं इधर, अब बताएं मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, अब तो आप लोग सब जानते हैं। ये एक मैट्रिक्स है,
ये एक मैट्रिक्स है और ये वाला एक मैट्रिक्स है। थ्री मल्टीप्लाई होगा थ्री से प्लस टू मल्टीप्लाई होगा टू से प्लस वन मल्टीप्लाई होगा वन से, तो आंसर क्या आएगा, फाइनल मैट्रिक्स क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन प्लस फोर, अच्छा मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखें डॉट प्रोडक्ट के लिए आप ये देखते हैं कि कॉलम और रोज बराबर है, कॉलम और रोज बराबर है, इसमें कितने कॉलम्स है इस वाले मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं बताइए, कितने कॉलम्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को इस मैट्रिक्स में, तीन कॉलम अभी आपको बराबर करके दिखाता हूँ, कितने कॉलम है, तीन कॉलम, और इसमें रोज कितनी है, दूसरे वाले में रोज कितनी है, तीन रोज है। हाँ, तो हमेशा जब भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि कॉलम एंड रोज बराबर होते हैं, अगर कॉलम एंड रोज बराबर हो जाते हैं तो फिर डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, बिल्कुल आपको सेवन क्लास एट क्लास की मैथ बता रहा हूँ। फिर क्या होता है, पहला वाला आइटम इससे मल्टीप्लाई होता है थ्री थ्री द नाइन, दूसरा वाला आइटम इससे मल्टीप्लाई होता है टू टू द फोर, और फाइनली वन वन द वन, ठीक है। अब ये वाला आइटम इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको बढ़ा दें, रूल है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थ्री टू द सिक्स प्लस टू वन द टू प्लस वन थ्री द थ्री। अब आ जाते हैं नीचे इधर, अब इसको भी करें, टू थ्री द सिक्स, यानी कि ये वाला आंसर आएगा, ये वाला आंसर आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा आई एम श्योर। और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा टू टू द फोर प्लस वन प्लस नाइन, तो जिस तरीके से आंसर आएगा आई एम, इसको रिजॉल्व भी कर लेते हैं आगे जाके, क्या आएगा आंसर 14, और इसका क्या आंसर आएगा 6 2 8 8 और 3 11। भाई देखते रहिएगा, आप लोग भी देखते रहिएगा मिस्टर, और ये 4 + 5 = 10 = 14, तो जिस तरीके से आंसर आ रहा है, तो जिस तरीके से आ रहा है, मैं आपको कोजाइन सिमिलैरिटी निकालना बता रहा हूँ, कोजाइन सिमिलैरिटी ये वाली चीज। तो पहले आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं डॉट प्रोडक्ट सेम उससे, लेकिन ये ट्रांसपोज होता है, इसका नाम होगा एक्स ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज हुआ होगा क्योंकि देखे ना मैंने इसी चीज को क्या कर दिया, बिल्कुल ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज का मतलब है कान पकड़ के ऊपर कर दें, टांग पकड़ के नीचे कर दें, दैट्स ऑल, ट्रांसपोज हो गया। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन हो तो इसका आंसर ये आएगा, तो पहले एक्स ट्रांसपोज करना है डिवाइड बाय, इसका फॉर्मूला बता रहा हूं आप लोगों को, डिवाइड बाय पहले का मैग्नीट्यूड, पहला भी एक्स था और इसका भी मैग्नीट्यूड, यानी के ये फॉर्मूला अभी आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान मैथ से सिर्फ समझने वाली बात होती है। तो भाई ऊपर वाली चीज तो हमने निकाल ली, देखें ये अवतार का डाटा था, अवतार का जो ये वैल्यू आई है अपने साथ, अवतार जब अपने साथ हुआ, देखें ये भी अवतार है, अवतार को मैंने सिर्फ ट्रांसपोज किया हुआ है, ये भी अवतार की डाटा है, ये भी अवतार का डाटा है, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, क्या आया भाई, अवतार मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आया 14, और जॉन कार्टर मल्टीप्लाई हुआ जब क्या आंसर आ रहा है 11, अभी भी 14 आ रहा है ना, ये देखें जॉन कार्टर आपस में मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों वैल्यू रिवर्स में थी, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम ही है। अभी मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूं, ये तो मैंने बिल्कुल एक जैसी वैल्यू ले ली थी, इधर भी 3 2 1 था, इधर भी 3 2 1 था, तो आंसर यही आ रहा है, लेकिन कहने का अब देखें सिर्फ इसको कंसीडर करें, अवतार जब अपने आप से होगा तो आंसर आएगा इधर 14, तो इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट आ गया इन दोनों का 14, डिवाइड बाय अवतार का मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि इन तीनों का स्क्वायर करें, हर वैल्यू का इंडिविजुअल स्क्वायर करें और उसका अंडर रूट ले लें, तो क्या करना पड़ेगा भाई, अंडर रूट का साइन कैसे लूं भाई, अंडर रूट छोड़ें अभी, अंडर रूट का साइन मेरे कीबोर्ड ब्रैकेट में 1/2 का पावर भी ले सकते हैं, हां वो कर देते हैं। अच्छा जी, तो मैग्नीट्यूड एक्स का लेना है तो इसका मतलब है 3 का स्क्वायर कितना होगा, 5 भाई, इन सबका स्क्वायर लेना है, एक्स स्क्वायर का मतलब है अवतार की जितनी भी वैल्यू उनका स्क्वायर है, 9 + 2 = 4 + 1, और इसका स्क्वायर रूट का मतलब है 1 है,
वन की पावर हाफ, फिर मल्टीप्लाई करना है इसको, ये तो एक वैल्यू आ गई, इसको मल्टीप्लाई करना एक्स ट्रांसपोज, एक्स ट्रांसपोज क्या आएगा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड दूं इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका भी यही है, हाँ इसका भी यही आएगा, हाँ इसका भी सेम यही आएगा, ये देखें तो ये वाला एक पार्ट हो गया। सर 2.5 नहीं कर सकते 1.2 को? हाँ 0.5 कर देना, ये लो 0.5, और ये पावर लगानी है मैंने, डबल डबल लगना, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय यही चीज दोबारा आ जाएगी, क्योंकि अब आपने इसका स्क्वायर लेना है, 3 का स्क्वायर 9, 4 एंड 1, तो जब भी यही चीज आएगी रिटर्न हो गए, बेस आर सेम, पावर इज, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ये बेस है, एड हो जाएगी, हाँ ये देखें 14 बाय, मैं देखें लिखा हुआ कुछ ऐसे आ रहा है, देखें आपको मैथ भी समझा रहा हूँ मैं, 14 बाय फॉर्मूला आपको जैसे बन रहा है, 14 का अंडर स्क्वायर कुछ इस तरह से कि इसकी पावर 0.5 मल्टीप्लाई बाय 14 की पावर, पावर को मैं ऐसा ऐसे लिख रहा हूँ, वैसे ऐसे लिखते नहीं है, 0.5, दोनों की बेस सेम है तो पावर एड होंगी, दोनों की बेस सेम है तो पावर एड होगी, होंगी या नहीं होंगी यार, अगर मुझे ये बता देना कि अगर यूं लिखा हुआ है, अगर मुझे बता दें अगर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 14 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, 14 का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा आखिर में, एस क्यू आर टी 14 का स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, तो बताएं स्क्वायर और अंडर रूट कट नहीं करते, स्क्वायर और अंडर रूट कटते नहीं करते, तो नीचे के, तो आपका डिनोमिनेटर में क्या आएगा, न्यूमिनेटर में तो था ही 14, डिनोमिनेटर में भी 14 आ जाएगा, तो 14 डिवाइडेड 14 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि अवतार का अवतार से जो रिलेशन बनेगा कोसाइन सिमिलैरिटी के थ्रू, अवतार का अवतार से जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, 1 का मतलब है ये 100% सिमिलर है, और जितनी वैल्यू 1 के करीब होती जाएगी इसका मतलब है वो मूवी अवतार से बड़ी करीब है, यानी अवतार जैसी है, जब भी हम लोग कोसाइन सिमिलैरिटी यूज करते हैं, कोसाइन सिमिलैरिटी का मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, कोसाइन सिमिलैरिटी में जो आपका मैट्रिक्स आया है उसी मैट्रिक्स को आप उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें, तो जहां पे बिल्कुल सिमिलर हो जाएंगे 100% वहां पे 1 आंसर आएगा, और जहां पे थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा वहां पे कुछ यूं आंसर आ रहा होगा, मिसाल के तौर पे किसी मूवी का आंसर अवतार के साथ 0.95 आता है, मिसाल के तौर पे ये मैं करता, ये देखे ये अवतार का जॉन कार्टर के साथ रेट कितना आएगा, देखें अवतार का जॉन कार्टर के साथ रेट कितना आ रहा है, अवतार और जॉन कार्टर की वैल्यू कितनी आ रही है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 11, ये वाला काम, ये तो मैंने अवतार की वैल्यू निकाल ली, अवतार का अवतार के साथ रिलेशन जो है वो 1 आ रहा है, अब मुझे बताएं अवतार का जॉन कार्टर के साथ क्या रिलेशन आ रहा है विद द हेल्प ऑफ कोसाइन सिमिलैरिटी, जी कैसे निकालेंगे, पहले तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 11, देखे ना अवतार और इसका प्रोडक्ट आ रहा है 11, ये आपको करने की जरूरत नहीं है भाई, ये सिर्फ समझने की जरूरत है 11, फिर जो है कहते हैं आपको किसका स्क्वायर, पहले आपने इसका लेना है स्क्वायर रूट, तो वो आ रहा है 14 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14 मल्टीप्लाई अब आप इसका भी ले स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा भाई, पहले आपने इसको वो करना है स्क्वायर लेना, फिर जमा करना है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 आप हो गए, ये क्या आएगा, ये भी 14 आ रहा है, ये 14 आ रहा है, तो अगर आप देखें कि जॉन का स्क्वायर रूट 14 आपका हो जाएगा 11 बाय 14, तो 11 बाय 14 का आंसर क्या आता है, 11 बाय 14 का आंसर क्या आता है, 11 बाय 14 का आंसर आता है 0.785। इसका मतलब यह है कि अवतार और जॉन कार्टर जो है वो आपस में सिमिलर हैं 0.785 वैल्यू। ये सारा काम हमें पूरे डेटा के साथ करना पड़ेगा, जाहिर बात है कोई मूवी अपने साथ ही अगर मल्टीप्लाई होगी तो उसका आंसर 1 आएगा, और अगर कोई मूवी
अपने से क्लोजर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो वन के करीब होगी। अगर किसी का रिलेशन ये आता है 0.00005, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है 0.005? इसका क्या मतलब है मेरे दोस्तों? 5% सिमिलर नहीं है शुरू। इसका मतलब ये है कि दे आर वेरी फार अवे, दे आर वेरी फार अवे, क्योंकि जितना वन के करीब होगा उतना सिमिलर। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम लोग कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग कर रहे हैं। कहाँ गया ये कंटेंट बेस्ड? और कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग में मैंने सिर्फ ओवरव्यू का लिया है। वैसे तो जब कॉम्प्लेक्स सिस्टम मिलता है तो हम बहुत सारी चीजों को लेते हैं। अब मैंने उनकी कोसाइन सिमिलैरिटी निकाली। अवतार अपने साथ तो मिरर कर रहा होगा ना, आप अपने आप को शीशे में देखेंगे तो कौन नजर आएगा? जॉन इब्राहिम तो नजर नहीं आएगा जब आप अपने आपको शीशे में देखें, ना बाबर आजम नजर आएगा। तो अगर आप अपने आपको शीशे में देखेंगे तो आप खुद ही नजर आएंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसे बंदे को देखते हैं जो आपसे बड़ा करीब है तो उसकी वैल्यू आपसे करीब होगी ना, आपकी अपनी वैल्यू अपने साथ वन कहलाती है। अगर आपकी अपने साथ वैल्यू वन कहलाती है तो आपसे जो करीब होगा वो उसकी वैल्यू आपके साथ क्या होगी? क्लोज टू द वन। और जो आपसे बहुत ही डिसिमिलर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो के करीब। अवे फ्रॉम वन। हाँ, जीरो के करीब होगी ना। किसके करीब होगी? किसके करीब होगी मेरे दोस्तों? जो आपसे बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट है आपका, तो वो क्या होगा? जीरो। जीरो होगा। तो भाई कोसाइन सिमिलैरिटी यही काम कर रहा होता है। ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स तो मैंने आप लोगों को समझा दी। आए जरा कोसाइन सिमिलैरिटी निकाल के देखते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या कहते हैं, एस के लर्न में, एस के लर्न डॉट मैट्रिक्स डॉट पेयर वाइज। इसके अंदर हमारे पास कोसाइन सिमिलैरिटी होता है। कोसाइन सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी, तो ये हो गया कोसाइन सिमिलैरिटी। भाई ये करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। जिसको मैथ समझनी है वो और जाके भी मैथ समझ सकता है। मैं इस क्लास में जितनी मैथ समझा सकता हूँ उतनी मैथ आप लोगों को मैंने समझा दी। अब देखें कोसाइन सिमिलैरिटी को आपने कुछ नहीं करना, आप लोगों ने कोसाइन सिमिलैरिटी को सिर्फ और सिर्फ वो मैट्रिक्स देना। आपके मैट्रिक्स का नाम क्या है? क्या रखा था? मैट्रिक्स ही रखा था। बस आपने मैट्रिक्स रखा है तो आप भी मैट्रिक्स दे दें, तो भाई आपको ये कोसाइन सिमिलैरिटी निकाल के दे देगा। कोसाइन का मतलब कुछ भी नहीं होता, कॉस थीटा होता है, बस कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है पता है आपको? कॉस जीरो कितना होता है? कॉस जीरो कितना होता है? वन। कॉस 90 कितना होता है? जीरो। तो जब अगर आपके दरमियान कोई फासला नहीं होगा, यानी कि डिस्टेंस जीरो, अगर आपका डिस्टेंस जीरो होगा तो आपकी सिमिलैरिटी 100% होगी। और अगर आपका डिस्टेंस जो है वो 90 डिग्री पे होगा बिल्कुल अपोजिट, तो आपकी सिमिलैरिटी क्या होगी? होगी नहीं, होगी नहीं। तो यही तो ये बता रहा है कि देखें ये कॉस जीरो, एक्चुअली कॉस जीरो का मतलब है आप जिस, देखें कॉस जीरो का ये मतलब है, कॉस जीरो का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट है वो भी इसी लाइन पे है, वो भी एक पॉइंट है वो भी इस लाइन पे है और दूसरा पॉइंट भी इसी लाइन पे है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है? इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है? सेम लाइन पर क्या बनता है भाई? जीरो बनता है ना। सेम लाइन पे एंगल क्या बनेगा? सेम लाइन पे एंगल जीरो। और कॉस जीरो की वैल्यू क्या आती है? वन। तो एक्चुअली ये जो वन आ रहा है इसका मतलब है ये कॉस जीरो था। कॉस जीरो का मतलब है बिल्कुल सेम लाइन पे था। और ये चेक कर लें कि 0.785 कौन सी डिग्री पे आता है। कोई ना कोई कॉस थीटा जो होता है वो बिल्कुल करीब होगा जीरो के आसपास। कॉस 0.02 निकाल के देखें तो शायद हो सकता है ये वैल्यू मिल जाए। तो जितना कॉस जीरो का मतलब है डिस्टेंस, यानी कि सिमिलर है, तो दिस इज कॉल्ड कोसाइन सिमिलैरिटी, यानी कि कॉस थीटा। भाई इतनी मैथ्स ही मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। अगर आपने मैथ्स की भरपूर क्लास ले ली है तो फिर उसके लिए तो हमारे को सीन ही अलग करना पड़ेगा। एनीवे यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, कोसाइन सिमिलैरिटी का अगर आपने समझ लिया तो आप एक वेरिएबल बनाएं, इस चीज के अंदर आप मैट्रिक्स देते हैं, मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स एक्स ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही ट्रांसपोज कर देगा भाई। यहाँ पे भी मैट्रिक्स दे दें, यहाँ पे भी मैट्रिक्स दे दें, वो खुद ही एक्स का एक्स ट्रांसपोज करके खुद ही मल्टीप्लीकेशन करके दे देगा। यहाँ पे आप सिर्फ ये तो मैं आपको मैथ समझा रहा था, ये तो मैं आपको सिर्फ मैथ समझा रहा था, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आपने बस कर दिया, दैट्स ऑल। ये हो गया कोसाइन सिमिलैरिटी, निकल के आ चुका होगा आपके पास। अगर कोसाइन सिमिलैरिटी की आप कोसाइन सिमिलैरिटी अवतार के साथ अगर देखेंगे तो वन ही आंसर आ रहा होगा। कोसाइन सिमिलैरिटी का अगर आप उसके क्या कहते हैं अपने डेटा के साथ देखेंगे तो उसका आंसर जो है, अभी तो ये आपको नहीं बताएगा,
देखते हैं ये आंसर क्या दे रहा है। ये देखें अवतार का जब अवतार के साथ किया तो वन आंसर आ रहा है, अवतार का जब दूसरी मूवी के साथ किया तो जीरो आ रहा है, इधर कोई 0.0 आ रहा है। अब ये सेकंड मूवी कौन सी थी, पता नहीं कौन सी मूवी थी, चौथी मैंने उठाई थी, उसका नाम था जॉन कार्टर, जॉन कार्टर मिस नजर नहीं आ रहा। तो देखें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन बन रहा है हर हर का। अगर आप मुझे देखेंगे, अगर आप मुझसे कहेंगे कि अवतार से करीब कौन कौन सी मूवीज है, मिसाल के तौर पर अवतार, अवतार जो है वो पहली रॉ में पाया जाता है इस जगह पे, तो मैं अवतार को देखता हूँ कि भाई जीरो इंडेक्स पे सारी अवतार की वैल्यू है, ये सारी अवतार की वैल्यूज आ रही हैं, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ सीरीज में, pd.series, और देखता हूँ कि अवतार से करीब कौन कौन सी मूवीज है। तो भाई और मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ, सॉर्ट कर देता हूँ, सॉर्ट वैल्यूज और बस सॉर्ट वैल्यूज कर देते हैं सिंपल, और असेंडिंग फॉल्स कर देते हैं, ascending is equal to false, तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे जो करीब इसके मूवी है वो कौन से इंडेक्स पे है, वो कौन से इंडेक्स पे है, जीरो, ना 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 जीरो पे तो वो खुद ही है ना, जीरो को तो छोड़ दे, तो मिरर हो रहा है उसका, फिर आए देखते हैं ये कौन सी मूवी है भाई, ये कौन सी मूवी हमारे ओरिजिनल डेटा पे 3604 पे कौन है जो इससे मिलता जुलता है। तो मैं अपने डेटा पे गया, डेटा पे जाके मैंने आई लॉक लगाया, आई लॉक में आपको समझा चुका हूँ, आई लॉक में मैंने ये दिया 3604 और इस मूवी का मैंने टाइटल उठा लिया, टाइटल सिर्फ पूरा डेटा फ्रेम नहीं उठा लिया, टाइटल उठा रहा हूँ, क्या कर रहा है भाई ये सर, ये क्या हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाला, इस तरह क्या निकाला, टाइटल शायद स्मॉल में होगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक मिनट प्लीज, एक मिनट में आपको बताता हूँ भाई, अपोलो 18 जो है वो अवतार से मिलती जुलती मूवी है, अपोलो 18, ये मैंने कॉन्टेंट बेस किया, अभी ये काम खत्म नहीं हुआ, टाइम खत्म हो गया, काम खत्म नहीं हुआ, काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसी के आगे करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि आप बहुत ज्यादा जो है ना वो एग्जॉस्ट हो जाए, अभी कोसाइन के आगे भी मुझे ये आपको दिखाना है कि हमें कैसे, आप सिर्फ टाइटल देंगे और वो आपको बता देगा कि कौन सी 10 मूवीज आपके करीब करीब हैं, कुछ इस तरीके से करके हम लोग कर सकते। अपोलो 18 जो है वो सबसे सिमिलर मूवी है अवतार के, लेकिन इतनी भी सिमिलर नहीं है, इतनी भी सिमिलर नहीं है, हो सकता है कि हम लोगों ने सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया जो ओवरव्यू लिया है, ओवरव्यू ना लेना चाहिए था हमें, कुछ और लेना चाहिए था हमें, क्या लेना चाहिए था हमने, तो मैंने तो आपको मुश्किल काम करवाया, हमें चाहिए था कि हम ये ले लेते, हमें चाहिए था कि हम कहाँ पे आ रहा है एक्शन वैक्शन मुझे बता रहा था, हाँ ये जेनरेस लेके, जेनरेस पे काम करते तो हमें ज्यादा अच्छी मूवीज की रिकमेंडेशन मिलती, लेकिन मैं सिर्फ अभी आपको काम करना सिखा रहा हूँ। तो भाई देखें जो सबसे ज्यादा करीब तरीन मूवी है अवतार के, अवतार खुद तो अपने आप से बहुत करीब है, जाहिर बात है अवतार का अपने साथ जो रैंक आ रहा है वो वन आ रहा है, जो सबसे दूर मूवी है वो जाहिर बात है जिसका आंसर जीरो आ रहा होगा, तो जो सबसे करीब मूवी है वो ये है और उसका नाम है अपोलो 18, वो भी कोई इतनी करीब मूवी नहीं है इसके, वो भी कोई ओवरव्यू के हिसाब से, ओवरव्यू के हिसाब से। तो भाई अभी ये हमने आधा काम किया, आधा काम किया, नेक्स्ट फ्राइडे को इससे आगे काम करेंगे, उससे पहले आपको डेमोग्राफिक और कॉन्टेंट बेस जितना भी किया है वो पता होना चाहिए, क्योंकि अभी ये काम हो सकता है कि शायद आखिर की जो दो क्लासेस बची हैं अभी उनमें सिर्फ यही काम हो सकता है कि ये इसके अलावा एक काम और हो जाए, तो वो डिपेंड करता है ना जितनी जैसे जैसे हम समझ समझ के हम आगे बढ़ेंगे चीज़ें। देखिए हमारा काम भागना नहीं, हमारा काम है क्वालिटी, क्योंकि अगर भागना होता तो हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वैसे ही वो हमें बर्बाद कर चुकी हैं भगा भगा कर, तो हमें यहाँ पे रुक रुक के क्वालिटी के बाद जाना। जी आई एम स्टॉपिंग माई टॉपिक हियर, इंशाल्लाह कमिंग फ्राइडे इधर से ही शुरू करेंगे। एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, एक एक चीज समझनी है, 10,000 मरतबा सवाल करें ग्रुप पे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, इंशाल्लाह 10,000 मरतबा ही आपको जवाब मिलेगा, कोशिश तो हमारी यही होगी, ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है। इसके आगे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप सवाल पूछें। जी जी सर, वो चैट में ना ये इमरान भाई ने ना वो लिख दिया था जो हमारे ऊपर फीचर्स आ नहीं रहे थे ना, TF IDF, हाँ अच्छा अच्छा, TF.get फीचर नेम से आएगा, मतलब सर नेम से आएगा, TF.get करना है तो वो आ जाएगा, TF, ठीक है ठीक है, TF.get नेम से आ जाएगा, ठीक है भाई चलें। TF ID TF से क्यों आएगा भाई, वो तो पूरे डायरेक्टली उठा रहा है, पूरे को कर रहा है ना इसलिए। अच्छा चले मैं ये देख लूंगा, चले और कॉल कोई सवाल और पूछें। सर मेरा एक सवाल था। जी जी सर पूछें प्लीज। जो हमने कोसाइन सिमिलैरिटी यूज की है, क्या हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाला है?
नहीं नहीं यूक्लिडियन डिस्टेंस ही नहीं है, आप इसका फॉर्मूला देखें, कोसाइन सिमिलैरिटी का, कोसाइन सिमिलैरिटी का फॉर्मूला ये होता है एक्स, इसका फॉर्मूला सिंपल ही लिख देता हूँ भाई आप लोगों को आसानी के लिए, आप वाई को ट्रांसपोज समझ लें, इसका फॉर्मूला सिंपल ही होता है एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय, डिवाइड बाय, मैंने ऊपर अजीब सा लिखा है तो आप यहाँ पे समझ लें, एक्स का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय वाई का मैग्नीट्यूड, सिंपल बात है। तो ये यूक्लिडियन डिस्टेंस, ये हो गया कोसाइन सिमिलैरिटी का फॉर्मूला, ठीक है, सी एस का फॉर्मूला हो गया। यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला ये नहीं होता, यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि उसका होता है आपका फॉर्मूला, बता देता हूं, एक्स वन माइनस वाई वन का स्क्वायर, अदान हो रही है, सिमिलरली एक्स एन माइनस वाई एन का स्क्वायर, और फाइनली इन सब का स्क्वायर रूट, ये फार्मूला होता है, दोनों में बहुत फर्क है। अब अजान हो रही है, अजान के बाद बात करते हैं, ये फार्मूला आप लोग देख लें, दोनों में बहुत फर्क है। ओके, अजान इज ओवर। एक और भी चीज़ है कि आप कोसाइन सिमिलैरिटी को इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, और यूक्लिडियन डिस्टेंस को भी, मैनहट्टन डिस्टेंस को भी आप देख सकते हैं। तो अच्छा, दोनों के फार्मूले अलग हैं, जाएं और चेक कर सकते हैं, और अभी मुझसे भी पूछ सकते हैं, बट ये मैं नहीं कह रहा कि आप इंटरनेट पे चेक करें, वो तो मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है आप यहाँ पे ना पूछें, यहाँ पे भी पूछें आप, सिर्फ एडवाइस ये भी है कि आप उधर भी चेक कर सकते हैं और इधर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो और क्लैरिटी चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं चीजों को। जी, एनीथिंग एल्स? आवाज आ रही है आप लोगों मेरी? सर एक क्वेश्चन था, सर एक क्वेश्चन था, सर अभी जो हम नेक्स्ट फेज में काम कर रहे थे, इसमें हम बेसिकली करना ये चाह रहे हैं कि हम जो है देख रहे हैं कि हमारे जो रिव्यूज हैं उनका आपस में क्या कोरिलेशन है, ताकि हम ये चीज जज कर सकें कि हमारी कौन सी मूवीज जो है वो ज्यादा वॉच होती है, या ओवरऑल उसकी जो मतलब व्यूअरशिप है वो ज्यादा है। तो यही हम अल्टीमेटली करना चाह रहे हैं ना सर, करना चाह रहे हैं। हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जिस तरह के यूट्यूब वगैरह पे सिस्टम होते हैं कि जो आपसे आपके रिलेटेड आपके चीजें आपको दिखाता है, ठीक है ना। आप अगर कोई ऐसा ड्रामा देखते हैं जो कि जिसमें सस्पेंस हो, जिसमें सीआईडी एक ड्रामा आता था, अभी भी आता है मेरे ख्याल में, सीआईडी ड्रामा एक इंडिया का एक ड्रामा था सीआईडी के नाम से, वो बड़ा उसमें सस्पेंस थ्रिलर और ये और वो होता था। अगर आप वैसे देखने वाले हैं तो आपके पास वैसे ही उनके पास आएंगे। तो हम एक्चुअली एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, अभी हमारा सिस्टम बना नहीं है, हम सिस्टम बनाना चाह रहे हैं कि जो हमें वैसे ही हमारे क्लाइंट को, एक्चुअली हम अपने क्लाइंट के लिए बनाना चाह रहे हैं ना, जैसे अमेजोन है, अमेजोन अपने अपने क्लाइंट को कौन सी प्रोडक्ट दिखाता है बताइए, अमेजोन वगैरह पे अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट खरीदी हो तो अमेजोन आपको कौन सी प्रोडक्ट दिखाता है, वही दिखाना चाहेगा सर, वही जो आपकी ज्यादा सर्च इसमें ज्यादा होंगी, एग्जैक्टली वो पैटर्न आपका देख रहा होता है। तो कल को हमें एक ऐसा सिस्टम, पहले तो हम लोग अपना एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें सिमिलैरिटी हमारे पास पहले से निकल कर आ जाए, सबसे बात। अभी सिमिलैरिटी के लिए हम ओवरव्यू को यूज कर रहे हैं, आप किसी भी कॉलम को यूज कर सकते हैं, हम सिमिलैरिटी के लिए ओवरव्यू का कॉलम। तो सिमिलैरिटी जब हमारे पास पहले बना बनाया मॉडल होगा
तो कल को क्या होगा, कल को सिर्फ और सिर्फ हमारा जो क्लाइंट होगा वो लिखेगा अपोलो 18, क्या देगा हमारे सिस्टम में लिखेगा अपोलो 18, हम अपोलो 18 के बाद उसको कुछ अपोलो 80 से रिलेटेड भी वीडियोस दिखा देंगे, उसको नाम सजेस्ट कर देंगे। हम देखना कभी कभी आप यूट्यूब पे सर्च करें और लिखें लेट सपोज आप लिखें CID, बल्कि नहीं अभी वो इकरारुल हसन का प्रोग्राम आता है उसका क्या नाम है भाई, वो क्या नाम है, सरेआम, सरेआम अगर आप सरेआम सर्च करें तो उसके नीचे ऑप्शन आ रहा था रिलेटेड वीडियोस। तो कल को हम जब सरेआम सर्च करें, जब हम सर्च करें सरेआम, तो हमारे क्लाइंट को, सॉरी हम नहीं, हम तो ये सिस्टम बना रहे हैं ना, हम सर्च करें सरेआम या CID, तो जैसे ही हमारा क्लाइंट CID लिखे तो CID से रिलेटेड उसको वीडियो मिल जाए, क्योंकि बैक एंड पे हमने सारा गेम किया हुआ है, सारी हमने सिमिलैरिटीज निकाल के रखी हुई है, हमारे पास जितना भी हमारे पास डेटाबेस में डेटा था उसकी बेसिस में हम लोगों ने मॉडल तैयार करके रखा हुआ है। बस हमारा क्लाइंट आएगा और वो नाम लिखेगा यानी कि टाइटल लिखेगा, और टाइटल वाली वीडियो तो उसको मिलेगी मिलेगी, उसके साथ साथ उसको जितनी भी हम चाहते हैं कि 10 वीडियो दिखाएं, 15 वीडियो के ऑप्शन दें, वो मिल जाएंगे। तो भाई यहाँ पे हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, उसके बैक एंड पे हम लोग ऐसी मॉडलिंग कर रहे हैं कोसाइन सिमिलैरिटी को यूज करते हुए, कि मॉडल बना बनाया हमारे पास आ जाए, कल को बस हमारा क्लाइंट सिर्फ उसमें नाम टाइप करे, लिखे अवेंजर्स लिखे, और उसके पास अवेंजर्स के साथ साथ अवेंजर्स जैसी रिलेटेड मूवीज भी आ जाए। तो हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जी। ओके सर, थैंक यू। ये है, उसके लिए हम लोग बैक एंड पे सारे काम कर रहे हैं। जब काम हो जाएगा तो हमारे पास तो खाना तो बन चुका है ना, खाना तो तैयार है, बस अब मेहमानों को खाना ही देना है। तो असल चीज ये है कि हम खाना तैयार कर रहे हैं, हमारी बिरयानी, हमारा पूरा दावत का सेटअप बना रहे हैं। जब सेटअप बन जाएगा तो बस मेहमान आएगा और एंजॉय करेगा, दैट्स ऑल। ये वाला गेम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और कुछ मेरे दोस्तों? सर एक सवाल ये थी, ये डेटा साइंस के हवाले से जो मैथमेटिक्स है जी, जी प्रिपरेशन या इसको इस जो सब चीजों का कंबाइन मिल जाए कोई चीज कि इसको कैसे पढ़ना है, ये जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है जी 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 नहीं कंबाइन पढ़ ही रहे हैं आपके साथ पाइथन में सीख रहे हैं, बट इसके पीछे जो मैथमेटिक्स है इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ देखिए, एक तो बात ये है कि डेटा साइंस ना अभी तक डिफाइन नहीं हो सकी, मतलब डेटा साइंस इतनी डीप है कि डेटा साइंस की बाउंड्रीज डिफाइन नहीं हो सकी, देयर आर मेनी थिंग। तो करना क्या है, देखें एक तो ये है कि आप खुद भी एफर्ट कर सकते हैं, दूसरा ये है कि एटलीस्ट उतनी मैथ्स तो आप सीखें जितनी मैथ्स हम लोग काम में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी मैं काम कर रहा था मुझे उसकी मैथ्स पता होती है बैक एंड पे, लेकिन जाहिर बात है मैं आप लोगों के ऊपर मैथ्स की चीजें छोटी छोटी तो जाहिर करता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें जाहिर करूंगा तो मुझे पता है कि काफी लोग तो छोड़ के चले जाएंगे। तो मैं कहता हूँ भाई देखें आइडिया ये है, लेकिन घबराने की इस वजह से जरूरत नहीं है कि ये चीजें मौजूद हैं। तो मैं इस वजह से आप लोगों को डेटा साइंस के अंदर, मतलब क्योंकि डेटा साइंस इतनी लुक्रेटिव फील्ड है और इतनी शार्प शॉर्टेज है कि मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी जाए इधर से, लेकिन होता यह है कि जहां पे डिसअपॉइंट, जिस तरह CA है, CA में बहुत ज्यादा जब डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो जाती है यानी कि फेलियर शुरू हो जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में या ICMA में, तो लोग MBA की तरफ मूव कर जाते हैं क्योंकि वो रिस्क को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं खुद ICMA का मेंबर हूं, तो मैं नहीं चाहता कि इतना ज्यादा रिस्क मैं आप लोगों को दूं। तो भाई एक तो बात यह है कि जितनी मैथ्स मैं आपको चीजें इस्तेमाल में आ रही हैं उसकी आइडिया मैं भी दे देता हूं, उसको आप करते जाएं। ये क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूं तो हमारी रिसर्च का आपको ये फायदा होगा कि आपको टॉपिक पता चल जाए। लेकिन डेटा साइंस पता नहीं कहां कहां कैसे कैसे वक्तों में जैसे जैसे चीजें चेंज हो रही हैं वहां पर डेटा साइंस यूज होती जा रही है, अभी आपने देखा है, तो इसकी बाउंड्रीज अभी डिफाइन नहीं हो सकी। यानी कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में मास्टर या PhD करने भी जाते हैं ना, तो यू कैन मेक श्योर दैट यू आर स्टिल नॉट अ डेटा साइंटिस्ट, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, इतनी हमारी रिसर्च। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैथ इस्तेमाल हो रही है उसको करते जाएं बस, और जितना आप कोशिश कर सकते हैं खुद भी करें जी। सर इसका मतलब भी अपेरेंटली डेटा साइंटिस्ट जो है उसका जो स्कोप है वो कोई एक फील्ड पे लिमिटेड नहीं है, मतलब वो मतलब उसके लिए जो बाउंड्रीज है वो अनलिमिटेड है, वो किसी भी जगह पे जाके काम कर सकता है। इट इज अनडिफाइंड, वरना माइक्रोसॉफ्ट वाले तो पहले ही आके वो मैदान में कूद जाते हैं। अभी देखें माइक्रोसॉफ्ट भी दूर ही है, मतलब अभी पिक्चर चल रही है। और दूसरी बात यह है कि डेटा साइंस एक ऐसा डोमेन है जहां पे डिसीजन मेकिंग होती है, और डिसीजन मेकिंग हर डिपार्टमेंट में होती है। आप HR में होंगे, आप इंजीनियरिंग में होंगे, तो डेटा साइंस क्योंकि एक डिसीजन मेकिंग का एक प्लेटफॉर्म है, एक टूल है, तो दिस इज डोमेन इंडिपेंडेंट, आप किसी खास डोमेन से इसको रिलेट नहीं कर सकते। बहुत सारी पोस्ट ऐसी मैंने देखी है जिसमें कंप्यूटर साइंस कहा जाता है,
लेकिन अगर आपने रेज्यूमे भेजनी हो तो इन सब चीजों को इग्नोर करके भेजा करें। मैं यकीन माने जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं पोज आती है ना, पीएचडी चाहिए हमें, मास्टर चाहिए, भाई आप देखेंगे उसने स्किल्स क्या मांगी है, बस क्वालिफिकेशन को छोड़ दें। जब भी आपका हो जाएगा, आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल कि मेरे जो मेरे जो क्या कहते हैं अंडर में लोग थे, उन्होंने इन सब चीजों को इग्नोर किया और अपने रेज्यूमे भेजे जब भी उनकी सिलेक्शन हो गई। तो दिस इज डोमेन इंडिपेंडेंट और बड़ी वास्ट है भाई, मैं आपको कह रहा हूँ ना, इट्स टू मच। हम जितना कर लें हमारे लिए अच्छा है, जितना कर लें हम हमारे लिए अच्छा है, ये चीज है सारा गेम। लेकिन करना तो है, पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना तो है। कौन सा पार्ट? एक एनएलपी वाला, ये जो हम पार्ट कर रहे हैं जिसमें ये कंटेंट से डेटा बना रहे हैं, मैथ में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो सब फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं। सर मैं भी फाइनेंस, ये चीज हमारे लिए बिल्कुल नई है। मैं आपको बता दूं, मैं भी फाइनेंस बैकग्राउंड का, मैं खुद आईसीएमए पाकिस्तान का मेंबर हूं, मेरा कोई कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड नहीं है। आई बिलोंग्स टू द आईसीएमए पाकिस्तान, आई एम अ मेंबर ऑफ आईसीएमए पाकिस्तान, आई बिकम अ क्वालिफाइड इन 2011, और उसके बाद मैंने सीमा किया। सीमा भी आपको पता है, सब मैनेजमेंट अकाउंटेंसी फ्रॉम द यूके, तो मेरा भी कोई बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन करना है, मैथ समझनी है, और क्या हमारे फाइनेंस में मैथ्स नहीं होती? नंबर इज ओवर हियर। और अगर नहीं भी समझ आ रही तो आइडिया होना चाहिए, चीजें अवेलेबल हैं। मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूँ आपने गाड़ी बनानी है, आपने गाड़ी चलानी है, लेकिन गाड़ी का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ना। गाड़ी कहीं पर रुक गई, टायर अगर पंचर हो गया, तो आपको अगर यही नहीं पता कि टायर का पंचर भी लग सकता है, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि अगर हमें यही ना पता हो कि टायर में पंचर भी लग सकता है, तो फिर तो हम गए। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई टायर में पंचर भी लगाया जा सकता है, पंचर लगाने के लिए मुझे इस पोजीशन पे जाना है, दैट्स ऑल। पंचर आप नहीं लगाएंगे, पंचर तो पंचर वाला ही लगाएगा, लेकिन पता होना जरूरी है आपको। तो मैथ भी आपको इधर सीखनी नहीं है डेटा साइंस में, सीख ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता होना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको एक बात बता रहा। अच्छा वकास साहब, एक चीज और चेक करनी है, ये जो हम डेटा सेट पे काम करते हैं, आप भी जो हमसे शेयर करते हैं, ये डेटा सेट क्रिएट किए जाते हैं रिसर्च करके, और क्या ये भी कोई अलग से जॉब होती है कि जिसमें डेटा सेट? हाँ देखें, ये तो क्या कहते हैं, डेटा इंजीनियर्स वगैरह का काम होता है कि वो डेटा को कैसे आपको डिलीवर करते हैं। लेकिन देखें, डेटा तो ऑब्वियसली क्रिएट हो रहा होता है ना। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जो है सैप का जो है वो सॉफ्टवेयर है, या आपके पास जो है SPSS का सिस्टम मौजूद है, तो जाहिर बात है ना, उसमें तो आप लोग हम सभी टाइपिंग ही कर रहे होते हैं ना डेटा को एंट्री करते वक्त। या अगर आपका फाइनेंशियल, जिस तरह सैप वालों का FICO का एक मॉड्यूल है, उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें एंट्रीज हो रही होती है, डेटा तो बैक एंड पे खुद ही उनके डेटा बेस में गिर रहा होता है, वहीं से हम उठा लेते हैं डेटा, खत्म हो गई बात, सिंपल बात है। जी जी, मैं उसी पे आ रहा था। अच्छा, उनसे क्या उठा लेते हैं, सैप वाले भी उसी डेटा से आपको रिपोर्ट बना बना के दे रहे हैं। तो भाई जब सैप वाले आपको रिपोर्ट बना के दे रहे हैं, कल को आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते जहां पे ओरेकल सिस्टम हो, तो इस वजह से आप ओपन सोर्स पे आ जाएं। ओपन सोर्स पे अभी AGP फार्मा आ गई है, और AGP फार्मा ने नोवर्टीज को भी एक्वायर कर लिया, उनके पास भी SPSS चल रहा था, वो लोग ओपन सोर्स में आ गए। जी अच्छा, नमाज का भी टाइम हो रहा है, 1:30 बजे जमात है, थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ेगा। आप लोग पूछें, मेरी कोशिश ये है कि मैं जमात के साथ नमाज पढ़ लूं। जी जी पूछें सर, क्या कोई पूछ रहा था? सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया। आवाज आ रही है आप लोगों को आवाज आ रही है? जी, मैं ये कह रहा था कि आप जी आप मैं जिस सबसे पहले भी आपने सजेस्ट किया था कि आपको अपनी कंपनी ही से स्टार्ट करना है, अगर मेरे वकील को जरूरत है उसमें उस डेटा पे मुझे अपने डोमेन नॉलेज है वो, तो मुझे किसके ऊपर अपने डिपार्टमेंट से स्टार्ट करना है, कंपनी तो डिपार्टमेंट से जो भी कर रहे हैं, जाहिर है अगर फाइनेंस में तो जाहिर है हमारे पास एक पूरे मेजर डेटा मौजूद है, तो इसका मतलब है कि मुझे उस डेटा को इस डेटा सेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो भी कंपनी का डेटा, और फिर उसके ऊपर जो भी मैं काम कर सकूं, मैं उस लिहाज से बात कर रहा था। देखिए, आपके पास तो एक्सेल फाइल वगैरह आ रही होंगी, या डेटाबेस में आपका एक्सेस वगैरह होगा, कुछ ना कुछ तो आपके पास आ रहा होगा ना, तो वो डेटा। देखिए अभी तो हम लोगों ने सिर्फ CSV पे फाइल किया है, अभी हम लोग PDF वगैरह पे भी फाइल काम करेंगे, हम लोग डेटाबेस पे भी काम करेंगे। तो डेटा सिर्फ CSV पे थोड़ी होता है, अभी आप लोग अगर गौर करें तो हमने सारा का सारा काम CSV पे किया है। दिस इज नॉट लिमिटेड टू द CSV, पता नहीं किस किस फॉर्मेट में आपको डेटा मिल जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना और पड़ेगा, मैं ये कहूँगा आप। ठीक है, ओके, वो डेटा इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। शुड बी कंक्लूड, क्योंकि इस 126 एंड 130 पे जमात है। अगर आप लोगों के सवाल हो तो मोस्ट वेलकम, आप लोग बहुत पूछें, और इंशाल्लाह अगर लंच हुआ तो लंच में तो हम लोगों ने खाना खाते हुए बहुत सारी बातें भी करनी, क्या ख्याल है? ठीक है, तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अगले संडे को आपकी सर्टिफिकेशन भी मिलेगा और वो लंच भी होगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होगा लंच का,
लंच में बैठ के, अभी तो हम लोग क्लास में आते हैं बस क्लास की बात करके चले जाते हैं, लंच के वक्त हमारे पास बड़ा अच्छा टाइम होगा कि हम लोग हंसें, बातें करें, दोस्तियां करें और एक दूसरे से अपनी कौन क्या काम कर रहा है करें, तो बहुत अच्छा एक माहौल बनेगा इंशाल्लाह। तो उसमें भी हम ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम, बट यू स्टिल हैव अ प्लेटफॉर्म फॉर द व्हाट्सएप, ऑन द व्हाट्सएप यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वहां पे भी आपका जवाब दिया जाए। आपने अपनी लर्निंग को रोकना नहीं है,